अगर राइट, जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। स्वागत है आप सबके इस अमेजिंग सेशन में ऑन द वंडरफुल जय बियॉन्ड। आप बहुत बहुत बधाई हो हम सबको। राधे 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 जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनम्यूट करें संदीप सर। जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे। दीपा मैम प्लीज अनम्यूट करें। जय गुरु जी संदीप। वेरी प्राइड मोमेंट, आज का देश का एक नया अध्याय हमारे जीवन में, हमारे देश के अध्याय में एक नया, मतलब हमारी देखते हुए, मतलब आज हम इस जीवन में, इस जीवन के अंदर हम खुद देख। अनम्यूट करें सर, संदीप सर आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। आज हमने अपने जीवन में, अपनी आंखों से, अपने आंखों से ये होते हुए देखा। इस तुम्हारी खुशी बता रही है कि तुम्हारे मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे। नहीं निकल पा रहे सर, शब्द है ना, खुशी है। इट वॉज अमेजिंग डे सर। ऐसा है कि ये जो चीजें है ना, आज काम नहीं आनी है मुझे मालूम, पर आने वाले समय में इतनी सॉलिड वर्किंग होने वाली नहीं इस चीज पे, जितना अपग्रेडेबल होगा लाइफ उन लोगों को पता नहीं। ये हुआ हमारे भविष्य के लिए रहा है। तारीख क्या आज की? आज की तारीख और चंद्रयान 3 कितने पे आता है? कितने बात है सर, आप बताएं सर। 5 पे। और वो चंद्रयान 3 5 पे आता है, आज तारीख भी 5 है, और जिस दिन लॉन्च होता है वो भी तारीख 23 थी सर। बिल्कुल 23 थी। यही कह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सर पे बाल नहीं है, वो कहना यही चाहते हैं कि जो तुम पढ़ा रहे हो वो सब गलत है, हम तो प्रूफ दे देते हैं। इसीलिए वो कहते रहे कि वो वार करते रहे, हम काम करते रहे। जी जी सर, 5 का बड़ा ही योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। हम आज फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको, हम सबको बहुत बहुत इस चीज का, मूवमेंट का, एक दूसरे को बधाई देने की पात्रता बनती है आज हमारी। सॉफ्ट लैंडिंग बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश हो गया, इट्स गोइंग टू अमेजिंग। मतलब जहां बहुत सारी, कई जगह पर, कई मतलब कई बड़े देश जहां विफल हो गए, एक्सपीरियंस ये फिर विफल हो जाता है। साउथ पोल पे पहले कोई कंट्री पहुंची है। राइट, सो दैट्स वाज रियली अमेजिंग। ये रियली प्राइड मोमेंट है, और इस बात पे भारत माता की जय तो बनती है बॉस। बिल्कुल बनती है डियर, बिल्कुल बनती है। आई एम गोइंग टू अनम्यूट एवरीवन, कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, एंड से भारत माता की जय। सबको अनम्यूट कर रहा हूँ एक बार। जी संदीप सर, भारत माता की जय। चंद्रयान 3 बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। राइट, पॉइंट, हम अपने पॉइंट पर आते हैं। वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस फॉर द चंद्रयान 3 एस्टेब्लिशमेंट, जो हुआ बहुत ही बढ़िया हुआ है। आप सब अपने हैंड डाउन कर लो थोड़ी देर के लिए। राइट, सो जिनके भी जो क्वेश्चंस है ना, गौरव गुप्ता जी को हैंड डाउन कर लो, ये सब क्वेश्चन आएंगे लास्ट में। राइट, क्या क्वेश्चन पूछने हैं वो पहले हम समझेंगे। आज क्वेश्चन पूछना क्या है वो तो समझ लेते हैं सर। अनम्यूट तो कर लो मालिक यार। सबसे पहले सीखो, क्वेश्चन आंसर तो सारी जिंदगी खत्म नहीं होंगे, पर मैं टाइम निकाल के आपको इतना अच्छा आशीर्वाद देने आई है, वो आशीर्वाद तो लो। सबसे बड़ी बात ये है मैडम, और हम लोग तो दिल खोल के देना चाहते हैं, आप लेने वाले तो बनो। जी 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 प्लीज। तो आज प्लीज ट्राई अप योर अपनी बुक्स एंड पेपर पेन, अपने कैमरा ऑन कर लो ताकि अपन पेपर पेन आपके रेडी हो जाए। आई विल गिव यू 2 मोर मिनट्स, मोर देन 7:12 हम सेशन शुरू करेंगे, और आप लिखें उस चीज को जो मैडम लिखाना चाह रही है। आप लोग अपने कैमरा ऑन करो, अपने पेपर पेन ऑन करो, ये कनेक्टिविटी आप ही के साथ आएंगी, यही नंबरों के अंदर आपके मोबाइल नंबर आएंगे। सी एडवांस प्रिडिक्टिव मोबाइल न्यूमरोलॉजी, सबसे पहले संदीप सर और मैंने अंकुर के लिए प्लेटफॉर्म पे किसी और टीचर के साथ, मतलब हमारी एक एक्स टीचर थी, शी इज द वंडरफुल टीचर ओवर देयर ऑन दैट टाइम। आज उससे अपग्रेडेड मोबाइल पे दीपा मैम पढ़ाती हैं, ये चालू हुई थी और मार्वेलस रिजल्ट है। मोबाइल, मोबाइल इज नॉट अ डिवाइस, हम डिवाइस की बात भी नहीं करते। डिवाइस के कलर्स, थीम, डिवाइस भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है, रोल प्ले करता है, बट आपका मोबाइल नंबर बहुत बड़ी वाइब्रेशन है। यू नेवर चूज योर नंबर, आपको पता, आपको लगता है कि नंबर आप चूज करते हैं, नहीं। अगर आप मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं है तो मोबाइल नंबर ने आपको चूज किया अकॉर्डिंग टू योर डेस्टिनी, और 70-90% पीपल आर ऑलवेज अट्रैक्ट विद द अपोजिट नंबर, ये फैक्ट है। अभी चेक करेंगे कैसे ये अट्रैक्ट होता, बहुत बार ये बात हमने वेबिनार में क्लियर भी की है और समझाया भी है,
और आपको प्रूफ भी करके दिए. सो इट्स अ ट्रूथ थिंग कि ये साइंस आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट देती है. क्या क्या देती है, ये बात भी हम समझेंगे. सबसे पहले समझेंगे कि वाइब्रेशन हमारे साथ काम क्यों करती है. आपकी धर्म पत्नी या आपके पति के साथ इतना समय नहीं बिताते आप जितना अपन में मोबाइल के साथ बिताते हो, राइट? क्यों रमेश भाई, सही बात है, सत्य है जी. वर्षा जी, जी सर बिल्कुल सही है. नहीं ऐसा लगता है अपने पति के साथ इतना समय बिता लेते तो और क्या अपने मोबाइल के साथ बिताना चाहिए, बताओ किसके साथ ज्यादा समय बीतता है? Yes. सर ज्यादा समय तो मोबाइल के साथ ही बीतता है ना, पति तो काम पे भी जाते हैं, मोबाइल तो काम पे जाता नहीं है. मोबाइल हमारे को ही काम पे लगा है. मोबाइल का तो काम में लगाया है. मैं वही कर सकते हैं, मोबाइल को गुस्सा भी नहीं कर सकते. हाँ पति को तो एक बार उठा के फेंकवा भी दोगे रख मोबाइल लगा सकते हो. सो द थिंग इज दैट इट्स अ पार्ट ऑफ जोन बट इज अ ट्रू. ये ट्रुथ है कि हम लोग हमारे नंबर्स मतलब थैंक यू अर्षा जी, थैंक यू रमेश जी, जो मोबाइल नंबर हमारे पास है या जो मोबाइल डिवाइस हमारे साथ है वो डिवाइस की वाइब्रेशन तो अलग है ही है पर वो जो नंबर हमारे साथ है उसकी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है क्योंकि वो 24 आवर्स सोते जागते उठते बैठते सोने से पहले खाने से पहले रागने से पहले सब समय वो नंबर आपके साथ है और वो वाइब्रेशन इज वर्किंग विद यू गाइस. ईच एंड एवरी नंबर इज वर्किंग विद यू. क्यों हम बहुत सारी कॉमन सी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातों में हम इस बात को मानते हैं, अरे यार ये आदमी मेरे लिए बड़ा लकी है, ये शर्ट मेरे लिए बड़ी लकी है, राइट? ये कलर में पहनता तो मुझे बड़ा आनंद आता है, राइट? ये गाड़ी मेरे लिए बहुत लकी निकली, जब से मेरा बेटा आया है धरती पे वो मतलब मेरे घर में आया है लकी है, मेरी शादी हुई लकी है. ऐसे ही आपका लकी नंबर भी डिस्कवर करना पड़ेगा बॉस. क्यों करना पड़ेगा? यू नीड अ वेल्थ, यू नीड अ हेल्थ, यू नीड अ रिलेशनशिप्स, राइट? यू नीड अ प्रॉस्पेरिटी ओवर द. तो जीवन के 12 पहलू हमारी जीवन के आसपास ही 12 जगह पर घूम रहे हैं. उर्वी मैम प्लीज पुट योर हैंड डाउन, राइट? ये जीवन के 12 पहलू हमारे साथ घूम रहे हैं और मोबाइल न्यूमरोलॉजी इज अ वेरी वंडरफुल टूल टू अचीव दिस थिंग्स. इन चीजों को एक्सेस करने के लिए ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी आपको बड़ा ही अमेजिंग तरीके से हेल्प करता है क्योंकि कोई ना कोई टूल तो चाहिए ना लाइफ में. वही है मोबाइल न्यूमरोलॉजी. आज सीखेंगे कि कैसे नंबर हमारे साथ काम कर रहे हैं. अधीपा मैम से हम ये बात सीखेंगे कि कैसे नंबर काम करते हैं और प्रॉपरली सीखेंगे. क्या है कि बस अपना मैसेज और प्रॉपर्टीज वो आप क्लियर कर लो. सबसे अच्छी चीज मोबाइल न्यूमरोलॉजी की क्या है, सेकंड पार्ट में आते हैं, अ पार्ट ऑफ दैट वाइब्रेशन टू अस ओनली. अगर आप एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट कंसल्टेंट हो तो यू नो नीड अ डेट ऑफ बर्थ टू प्रेडिक्ट समवन. सामने वाले की जिंदगी के बारे में जानना आपको बड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि वो आपसे अपॉइंटमेंट तो मोबाइल से ही लेगा ना. किसे लेगा? घर आके पहले अपॉइंटमेंट लेके तो जाएगा नहीं, पहले मोबाइल से वो मैसेज करेगा, व्हाट्सएप करेगा, कॉल करेगा, राइट? सो आपके पास बहुत कुछ उसको एडवांस में बताने के लिए होगा. ये छोटे छोटे जादू हैं, मैजिक है जो आपको सीखने को मिलता है क्लासों में. अगर आप ये सब चीजें भी छोड़ो, आप कंसल्टेंट नहीं हो, अपनी लाइफ में एक नॉर्मल प्रोफेशन अपने लिए खुद कोर्स कर रहे हो, तो ये सोचो जब आप ये चीजें किसी और के साथ अप्लाई करते हो, मतलब अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, इट्स गोइंग टू बी लुक लाइक ए मैजिक. कैसा मैजिक दिखेगा अभी आज हम समझेंगे कि कैसे वो जीवन में वो नंबर्स की वाइब्रेशंस हमें वो जादू दिखाती है, अच्छे और बुरे का फर्क समझाती है, राइट? तो दीपा मैम आर यू रेडी फॉर दैट? यस. सो दीपा मैम के बारे में बताऊं, शी इज अ वंडरफुल न्यूमरोलॉजिस्ट और बहुत अच्छी वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट है, साथ में ये बहुत अच्छी ग्राफोलॉजिस्ट है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, जहां इन्होंने 24/7 ग्राफोलॉजी पे वेबिनार किए थे बाय ऑनलाइन और यूट्यूब वीडियोस. मतलब उनके एक एसोसिएशन है उनके साथ में, उनके जहां इन्होंने बहुत सारे लेक्चर लिए थे, जहां एक लेक्चर सुनने के लिए 35,000 पीपल्स अराउंड 28,000 to 35,000 पीपल आर देयर. और तकरीबन अभी ये तक ये दो बुक लिख चुकी हैं. शी इज अ वंडरफुल राइटर और बहुत ही इंप्रेसिव और बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी. टीचर नहीं बोलूंगा मैं इनको कि शी इज द वंडरफुल मेंटर. ये भी बात करती हैं, जब सिखाती हैं, ये पढ़ाती नहीं है, ये आपकी आत्मा तक वो चीजें समा जाए वो डायरेक्ट ही बात करती. शी इज वेरी इजीएस्ट टू टॉक अबाउट दिस थिंग. सो आज हम समझेंगे दीपा मैम से मोबाइल एनर्जी. थैंक यू मोबाइल दीपा मैम टू गिविंग दिस वन टू अपकमिंग जो आप मुझे नॉलेज देने वाले, उसके लिए एडवांस में थैंक यू दे रहा हूं. थैंक यू. राइट. थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीबॉडी टू लिसनिंग अस एंड थैंक यू संदीप भैया. ऑलवेज वेलकम दीपा जी, ऑलवेज वेलकम. आपकी ब्लेसिंग्स होती है ना जब आप वेबिनार में, तो कॉन्फिडेंस अलग आ जाता है.
ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। चलिए आज हमने मोबाइल के बारे में बात करनी है, आज हम मोबाइल के बारे में कुछ जानने की कोशिश भी करेंगे। हमें सबको पता है मोबाइल नंबर में कितने डिजिट्स हैं, हमारे पास 10 डिजिट्स हैं, ठीक है, और जबकि हमारे पास प्लैनेट्स कितने हैं, 9 है। तो कहीं ना कहीं कोई प्लैनेट आपका रिपीट हो रहा है आपके नंबर में, या कोई आपके पास शून्य अंक आ रहा है। तो अगर हम एक अंक को मोबाइल नंबर के अगर फर्स्ट नंबर को अगर हम छोड़ भी दें, तो बाकी के बाकी कुछ ना कुछ ऐसे नंबर्स आ रहे हैं जिनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में आता है। और अगर हम नंबर्स की अगर बात करते हैं, तो आज अगर हम इस प्लेटफॉर्म पर अभी हैं, या हम जो सुनने के लिए आए हैं, नो डाउट हम काउंटिंग सुनने के लिए नहीं आए हैं। यानी कि हमारे नंबर्स की हम जब बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, हम प्लैनेट्स की बात करते हैं कि हर एक प्लैनेट को एक नंबर दिया गया है ना। समटाइम क्लास में बस कई बार क्वेश्चन आता है, मैम इस प्लैनेट को ये नंबर क्यों दिया गया है, उसको मैं कभी क्लास में समझाऊंगी कि इसको हमें नंबर क्यों दिया गया है। कि हर एक प्लैनेट की अपनी अपनी वाइब्रेशंस होती है, अपना अपना एक करेक्टर होता है। जैसे आपके मम्मी पापा ने आपको आपका एक नाम दिया, ठीक है, आपके भाई का अलग नाम है, आपके सिस्टर का एक अलग नाम है, तो हमारे नाम के अनुरूप भी हमारे करेक्टर्स धीरे धीरे बन जाते हैं, हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है। तो ऐसे ही इन प्लैनेट्स को भी एक नाम दिया गया, एक संज्ञा दी गई है। और जितनी भी हम संज्ञाओं की बात करते हैं, चाहे वो आपका न्यूमरोलॉजी का बेसिक नंबर हो या डेस्टिनी नंबर हो, जिसको आप ड्राइवर या कंडक्टर भी बोलते हैं, उसको हम क्या करते हैं, सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट करते हैं। सिंगल डिजिट जिसको हम हिंदी में इकाई बोलते हैं, क्योंकि इकाई को कन्वर्ट करना ये भी नहीं हमें पता, हम इकाई में कन्वर्ट तो कर रहे हैं बट क्यों करते हैं, क्योंकि जब हमारी लाइफ शुरू होती है वो क्या है, शून्य से ही शुरू होती है। हम लाइफ में कोई भी चीज देखते हैं वो इकाई है, तो इसीलिए हम डिजिट्स को पहले इकाई में कन्वर्ट करते हैं, ताकि हम उसका रिजल्ट देख पाएं कि उसका रिजल्ट क्या आएगा अगर उसको हम सबसे छोटे पार्ट पे ले आए। सबने कभी ना कभी अपनी लाइफ में 8th, 10th तक तो फिजिक्स से केमिस्ट्री पढ़ा होगा, तो क्या होता है हर चीज को कहाँ से पढ़ते हैं, हम एटम से पढ़ना शुरू करते हैं, राइट। तो हर एक एटम का या हर एक मॉलिक्यूल का हमारी लाइफ में वैसा इम्पैक्ट आता है। तो आपके मोबाइल नंबर्स में भी जो नंबर्स आपके आ रहे हैं, उनकी कौन सी प्लेसमेंट आपकी लाइफ में क्या रोल निभा रही है, इसको आज हम कुछ कुछ जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि टॉपिक ये बहुत वास्ट है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको एटलीस्ट टॉपिक की क्लैरिटी आए, राइट। तो अपना कॉपी पेन रेडी रखो, आपको पहले आपको पॉइंट्स लिखो आते कि कौन कौन से नंबर्स अगर आपके एक साथ आते हैं तो वो आपके मोबाइल नंबर में आपकी कौन सी पर्सनैलिटी पे हिट कर रहे होंगे, राइट। लिखिए पहले 1, 2 या 2, 1, इनको हम कंजक्शन भी बोलते हैं, इनको हम युति भी बोलते हैं। लिखिए अगर आपके मोबाइल नंबर में 1, 2 या 2, 1 एक साथ आ रहा है, तो ये दिखाता है आपके फेस पे कहीं ना कहीं ब्रिलियंस होगा, आपके फेस पे एक चार्म होगा। सिर्फ 2, 1 में एक चीज लिखिएगा, 1, 2 की जगह सिर्फ 2, 1 में, कि वेस्टेज ऑफ मनी कराता है ये। अगर आपके मोबाइल नंबर में 2, 1 आ रहा है, तो ये वेस्टेज ऑफ मनी भी करा रहा होगा। अभी संदीप सर ने एक नंबर डाला, जैसे 8880212010, अभी इसमें 2, 1 बीच में आ रहा है आपका, तो 2, 1 में हम उस पर्सन से पूछ सकते हैं कि प्लीज आप लोग ना चैट में ऐसे पुट मत करो, क्योंकि रिफ्लेक्शन आता है ना चैट का, तो मेरा ध्यान वहां चला जाएगा। आप अभी मत डालो, मैं अभी क्वेश्चंस ले लूंगी आप लोगों से, सुमंत राय जो भी हैं, बाकी सबसे भी रिक्वेस्ट रहेगा। तो 1, 2 में और 2, 1 में आप एक बात लिखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे 1, 3 का कॉम्बिनेशन या 3, 1 का कॉम्बिनेशन, जो अभी थोड़ी देर पहले ही आपने मेरे से पूछा था। लिखे 1, 3 और 3, 1 कराता है आपकी हाई एजुकेशन, एजुकेशन के लिए अच्छा नंबर है। तो अपने बच्चों के लिए भी आप लेना चाहते हो, उनके मोबाइल नंबर में 1 और 3 जरूर देखिए कि उनके पास आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि 1 आपको कहीं पर भी खड़ा होके बोलने की एबिलिटी देता है। अगर आपके अंदर शायनेस है तो 1 अपने मोबाइल में जरूर रखा करें। उसके बाद लिखे 1, 4, पहले मैं आपको 1 के लिखवाऊंगी, फिर 2 के, फिर 3 के, 1, 4 या 4, 1, जैसे अभी लिखा हमने 1, 3 या 3, 1, ऐसे हम लिखेंगे 1, 4 या 4, 1। मोबाइल में 14 आ जाए या 41 आ जाए, तो आप देखें कहीं ना कहीं आपकी स्पाउस की हेल्थ कहीं सफर तो नहीं कर रही, कहीं उनका लोन तो नहीं ऐसा हो गया कि वो खत्म ही नहीं हो रहा। गवर्नमेंट के कामों में कहीं आपको रुकावट तो नहीं आती, गवर्नमेंट रिलेटेड कामों में कहीं रुकावट तो नहीं आती, और किसी तरह का कर्जा ऐसा तो नहीं है जो खत्म नहीं कर पा रहे आप।
अगर लगे मैं थोड़ा फास्ट हो रही तो प्लीज मुझे एक बार बता देना, मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगी. नेक्स्ट है 15 या 51, 15 या 51 अगर आपके मोबाइल में आ रहा है तो ये दिखाता है कि आपको कहीं ना कहीं अपने फादर से कोई ना कोई बेनिफिट मिला होगा या मिलने की संभावनाएं हैं. नेक्स्ट लिखें 16 या 61, 16 या 61. चेक कीजिए क्या आपके स्पाउस की हेल्थ सफर कर रही है, कोई हेल्थ इश्यूज उनको आ रहे हैं. और इसके भी चांसेस होते हैं कि इनके पास पैसा तो होता है बट अपने पैसे से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते, यानी कि लेस सेटिस्फाइड विद मनी, कि और चाहिए नहीं, नहीं मजा नहीं आ रहा, मतलब काम बहुत अच्छा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, कोई कमी नहीं है, जॉब है, जॉब बहुत अच्छा चल रहा है, बट फिर भी मजा नहीं आ रहा. तो ऐसे वो मजे वाली बात इनके मन में हमेशा रहती है, अनसेटिस्फेक्शन विद मनी रहता है. नेक्स्ट है 17 या 71. आपको फॉरेन जाना है या जाने का मन है या आपकी फैमिली में कोई जाना चाहता है, बच्चे को भेजना चाहते हो, तो 17 भी मोबाइल में आप चेक कीजिए कि अगर आपके मोबाइल में 17 या 71 आ रहा है तो ये बहुत अच्छा है फॉरेन ट्रेवल के लिए. अपने आप में 17 एक ऐसी भी ब्लेसिंग है कि आपका कहीं ना कहीं भाग्य को दिखाता है कि आपका भाग्य अच्छा है. 17 या 71 सॉलिड कॉन्टेक्ट को दिखाता है, आपके कहीं ना कहीं अच्छे कॉन्टेक्ट होंगे, हाई प्रोफाइल लोगों के साथ उतना बैठना हो सकता है या आपके मन में ऐसी चाह होती है कि मेरे ऐसे कॉन्टेक्ट हो जाएं, अगर आपके नहीं है तो आपकी फैमिली में किसी ना किसी के होंगे, ये उसको भी दिखाता है. चाहे 17 हो या 71 हो. हाँ जी नेक्स्ट लिखे 18 हाँ जी भैया मैं निकल रहा हूँ डियर, मैं निकल रहा हूँ, जो क्लास स्टार्ट करनी है ना. तो वही पूछा था, फॉरेन निकल रहे हो क्लास में निकल रहे हो? अभी तो फॉरेन नहीं जा, फॉरेन चलते हैं दिसंबर में चलते हैं. चलो ठीक है, 17 देख के मुझे याद आया आपकी क्लास का टाइम हो गया सर. मेरा है 99117, तभी मैंने पूछा 17 तो आ रहा है, फॉरेन पता नहीं कब भेजोगे आप. अभी तो जाके आए सर आप. ठीक है, अभी आईपी सिंह सर के साथ नहीं गए थे? गया था. फिर भैया फॉरेन आपको बुला रहा है, जा तो आप ही रहे. मैं नहीं जा रहा, ठीक बात है, मेरा 6 नंबर नहीं है ना. चलो ऑल द बेस्ट, जय गुरुजी. थैंक यू, जय गुरुजी. संदीप सर जय गुरुजी, आप अपनी क्लास लें और थैंक यू फॉर ब्लेसिंग. थैंक यू भैया. राइट, नेक्स्ट हम कॉम्बिनेशन करते हैं 18 या 81. अगर आपके मोबाइल में आ रहा है 18 या 81 एक साथ, तो चेक कीजिए कि आपके फादर को कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं है, आपके फादर को कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं है. 19 या 91. 19 और 91 दोनों ही लीडरशिप के नंबर है, तो ये लोगों को फ्रीडम बहुत पसंद होती है. 19 या 91. नमस्कार उदय जी, बहुत टाइम के बाद देखा आपको. ठीक है, फ्रीडम लवर होते हैं, इनको होता है कि हमें कोई रोके भी नहीं और ना ही हमें कोई टोके, हमें जो करना है हम वो करना चाहते हैं, हम जहां जाना चाहें वहां जाएं. दोनों ही बॉर्न लीडर है तो इनको हाथ में पकड़ना मुश्किल है. 19 कॉम्बिनेशन भी ऐसे होता है, हमें पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, और ऊपर से मल्टीपल 1 आ जाए तो चेक कीजिएगा, अपनी मर्जी बहुत चलाते हैं ये, आप ही का कान आप ही के द्वारा पकड़ते हैं, है ना. देखना आप ऐसे लोग होंगे. 19 ब्रेन, आपका ब्रेन वो कहते हैं उसको, ब्रेन की सफाई अच्छे से करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ध्यान नहीं आ रहा वर्ड, क्या बोलते हैं राहुल भैया, क्या बोलते हैं ऐसे ब्रेन को एकदम क्लीन करना, ब्रेन वॉश करना, ब्रेन वॉश करना, ब्रेन वॉश करना. यस, 19 नंबर ऐसा, ब्रेन वॉश करना. तो अगर आपके अंदर शायनेस है ना, तो ऐसे नंबर जरूर रखने चाहिए, ऐसे 17 19 ऐसे नंबर जरूर होने चाहिए. तो कितनी बार ऐसा भी होता है, जहां खड़े होते हैं ना लाइन वहीं से शुरू होते हैं, तो 19 अमिताभ बच्चन टाइप वाला नंबर है, हालांकि उनका नहीं है बट नंबर ही वैसा ही है कुछ. चले नेक्स्ट लिखे
जी अंजू मैम बिल्कुल ऐसे ही होता है, प्रणाम है आपको जो ऐसे लोगों को संभालते हैं। चले नेक्स्ट लिखे, देखो अब हम 2-1 लिखेंगे नहीं, 1-2-2-1 हमने लिख लिया, तो हम कौन सा नंबर लिखेंगे? हम 2-2 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि रिपीटेटिव में आएगा वो, तो रिपीटेटिव हम अलग पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट नंबर आपके पास आएगा 2-3 या 3-2। तो अगर आपके मोबाइल में 23 या 32 अगर एक साथ आता है तो आप चेक कीजिएगा कि ऐसा तो नहीं है कि आप अपने बच्चों के लिए कर तो सब कुछ रहे हैं, तो बदले में पेरेंट्स को क्या चाहिए होता है कि बच्चों को रिस्पॉन्ड करें। तो आप देखेंगे कई बार आपके ही बच्चे आपको ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। जी स्लो चल रही, आपके ही बच्चे आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते। ऐसे लोग क्रिएटिव होते हैं, 3-2 या 2-3 क्रिएटिव होते हैं। ऐसे लोग अगर अपना नेटिव प्लेस छोड़कर कहीं और जाके काम करते हैं तो इनको सक्सेस मिलता है। अपना नेटिव प्लेस छोड़कर कहीं दूर जाके काम करते हैं। दीपा मैम, जस्ट एक सिस्टम अपडेट आया मेरे अंदर, सिस्टम जिससे तो 5 मिनट में शायद नहीं बात कर पाऊं, मतलब 5 मिनट शायद मैं लॉग आउट भी हो जाऊं, राइट? आप होस्ट हैं, ठीक है, आई विल बी जॉइनिंग इन 5 मिनट, राइट? ठीक है, ओके। लास्ट लाइन हमने क्या लिखी है कि अपना नेटिव प्लेस छोड़कर भी जाएंगे कहीं और जाके काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप ये बात अगर उसमें भी लिखना चाहो तो लिख लो, जिनका नेम नंबर भी 36 पर आता है। ये मैंने 32 की बात की, अगर आपका नेम नंबर 36 पर आता है तो ये लोग भी अपना नेटिव प्लेस छोड़कर कहीं और जाके काम करेंगे तो इनको सक्सेस मिलेगा। या मेरा कहने का मतलब ऐसा, जितना अपने प्लेस से लोग दूर हो जाएंगे उतना इनको सक्सेस मिलता है। ये मैंने नेम नंबर की बात की है। 32 में आपका अगर कॉम्बिनेशन भी है 3 और 2 का या 2 और 3 का, तो उसमें भी आपको ये चीज मिलेगी, क्योंकि 3-2 अपने आप में एक तरह का गज केसरी योग भी बनाता है कि आपके दुश्मन रहेंगे भी तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते वो। तो अपने आप में एक अच्छा नंबर भी है, पर इसके साथ एक नेगेटिविटी भी है कि अपने ही लोग अपने ही बच्चे अपना रिस्पॉन्स ठीक से देते नहीं है। उसके बाद लिखेंगे 2-4 या 4-2। मोबाइल में अगर आपके पास आ रहा है 2-4 या 4-2 तो आप देखें कहीं ना कहीं आपके पास नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अगर ये दोनों एक साथ आ रहे हैं तो। आप लोग जो भी चैट में लिख रहे हैं ना, आपसे मेरी ना एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे पर्सनल पे मत डालो क्योंकि फ्लैश होता है सामने से। आप एवरीवन पे डालो ताकि आपकी चीजों को वो भी समझ सकें, क्योंकि अगर आप कंफर्म कर रहे हो ना तो उनको भी समझ में आएगा, देखो याद हो गया। एक तो क्या होता है कि आपके कंफर्म करने से कि आपने जो कॉम्बिनेशन पढ़ा आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि हाँ ये चीज मेरे साथ हो रही है या मेरे पड़ोसी के साथ है, मेरे किसी रिलेटिव के साथ है, तो कॉम्बिनेशन आपको हमेशा याद हो जाएगा। तो एवरीवन पे प्लीज डालिए, ठीक है? एवरीवन का ऑप्शन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता मैम। मैम देखो डायरेक्ट मैसेज लिखा हुआ ना आपका, जहाँ पे नाम और आप लिखते हो ना उसके नीचे देखो एवरीवन इन मीटिंग आ रहा है, वहां पे करोगे तो सबके पास आएगा। डायरेक्ट मैसेज पे करोगे ना तो वो सिर्फ मेरे पास आएगा। 2-4 में लिखा, नेक्स्ट लिखेंगे हम 2-5। 2-4 में इतना ही है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। 2-5 अगर आपको ट्रैवलिंग करना है, वही जैसे हमने फॉरेन ट्रैवल की बात की, तो 2-5 भी आपका ट्रैवल कराता है। अब ये फॉरेन नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि फॉरेन हो, आपका किसी और सिटी में किसी और स्टेट में करा सकता है। एयर ट्रेवल जिसको हम बोलेंगे, 2-5 के लिए एयर ट्रेवल कराता है ये नंबर। 2-5 या 5-2 अगर आपके मोबाइल में आ रहा है तो एयर ट्रेवल कराता है ये। एस्ट्रोलॉजी के लिए या अकल्ट के लिए भी अच्छा नंबर है। एस्ट्रोलॉजी के लिए अकल्ट साइंस में आने के लिए भी अच्छा नंबर है अगर आपके मोबाइल में आ रहा है तो, क्योंकि 2 नंबर ना हमारा मून का है और मून क्या देता है, हमें इंट्यूशन देता है। इंट्यूशन की पावर हमें मून से मिलती है, 7 से मिलती है, 2 से मिलती है, और साथ में 5 आ जाने से क्या होता है, वाणी का कारक बन जाता है। तो आपने इंट्यूशन से जो सोचा और आपकी वाणी का कारक बन के आपके नेटिव तक जाती है वो वाणी। नेक्स्ट लिखे 2-6 या 6-2। 2-6 या 6-2। अच्छा ये वाला कॉम्बिनेशन आप डेट ऑफ बर्थ में भी आप चेक करना, जो ये कॉम्बिनेशन मैं आपको फोन में बता रही हूँ, इनकी एजुकेशन में कहीं ना कहीं रुकावट आती है, या कई बार ये मल्टीपल
एजुकेशन लेते हैं, अलग अलग तरह के काम करते हैं और उसके बाद अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। काम कई बार लाइफ में बहुत किए होते हैं। कॉम्बिनेशन है 6-2, मोबाइल में भी आ रहा है या आपके डेट ऑफ बर्थ में भी है। तो एजुकेशन में रुकावट को दिखाता है नंबर, कभी कभी अफेयर्स को भी दिखाता है ये। कभी कभी या हमेशा? भैया हमेशा थोड़ा बोलूं कि मेरे घर पहुंच जाएंगे सब। अच्छा ऐसा क्या? हाँ मैम, अभी तक कितने हो गए हमारे, कितने कंजक्शन पढ़ा दिया आपने? हमने पढ़ लिए 9, 10, 11, 12, 13 हो गए हमारे शायद। एक बार 13 हो गए ना हमारे, एक बार दो और पढ़ा के फिर एक बार रिपीट करो, फिर पूछते बच्चों हाँ। से ये है या नहीं, ये खाली हम बोले जा रहे हैं, ऐसा होता भी है जीवन में? नहीं होता है। हाँ चैट में आ रहा है ना, मैंने उनको बोला मेरे को डायरेक्ट मत डालो, एवरीवन पे डालो। 26 में लिखा, नेक्स्ट लिखे 27, 26 के बाद आएगा आपका 27 या 7। तो अगर आपके मोबाइल में आ रहा है तो आप एक तो चेक कीजिए आपके घर में आपको या आपके घर में किसी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम तो नहीं है, जोड़ों का दर्द तो नहीं रहता, ज्वाइंट पेन का इशू दिखाता है नंबर। 2 वाला कंप्लीट करके ना फिर आपसे बात करते हैं। नेक्स्ट लिखे 28 या 82 अगर आपके मोबाइल में आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स तो नहीं आते या नेगेटिव थॉट्स की तरफ आपका ध्यान चला तो नहीं जाता बहुत ज्यादा। नेगेटिव थॉट्स आते हैं कई बार, ऐसे फोन भी आपको ऐसे आता है रोते हुए लोगों के, बस हम तो परेशान है, हमारे घर में ऐसा हो गया, हमारी लाइफ ऐसी है, मतलब लोगों के फोन भी ऐसे आते हैं, रोते हुए लोगों के फोन आते हैं आपके पास। हो सकता है कि आपके घर में सीलन या लीकेज की प्रॉब्लम भी आ रही हो। 28 या 82 का कॉम्बिनेशन ये भी दिखाता है, लीकेज या सीलन की प्रॉब्लम को भी दिखाता है। जिनके मोबाइल में 28 आता है आप वहां पे ये भी चेक करना कि पैसा भी इनके पास ना रुक रुक के आता है, अटक अटक के आता है, तो जितनी सेविंग ये चाहते हैं उतनी सेविंग कभी भी नहीं हो पाती इनकी। और अगर मोबाइल के लास्ट में आ गया 28 तो ऐसे लोग तो सेविंग कभी जिंदगी भर नहीं कर पाते। लास्ट में अगर 28 आ गया मोबाइल के लास्ट डिजिट में। नेक्स्ट लिखे 29 या 92। निशा जी बस अभी क्वेश्चंस ले रही हूँ। 29 या 92 ये नंबर ऐसा है कि ये दिखाता है कहीं ना कहीं आपकी मनी के साथ इन्वॉल्वमेंट है। अब इन्वॉल्वमेंट कैसी है, हो सकता है आपने कर्जा लिया, कर्जा नहीं चुका पा रहे, या कोई आपका पैसा लेके भाग गया, या आपने कहीं लगाया तो आपको वहां से प्रॉफिट नहीं आया, तो कहीं ना कहीं मनी के साथ आपका तालमेल दिखाता है 29 या 92। राहुल भैया आप हैं, आप ले सकते हैं क्वेश्चन, ले लीजिए भैया। मैम मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन से पहले ना एक बहुत अच्छा काम करते हैं। हाँ जी, बहुत स्पीड से पढ़ा दिया आपने। अच्छा एक बार थोड़ा थोड़ा स्पीड से रिपीट भी कर दो, मैं देख रहा था सुन रहा था, मैं ही ना लिख पा रहा हूँ तो बच्चे कहाँ से लिख पाएंगे। आप भी लिख रहे हो बैठ के? मैं हर वेबिनार को लिखता हूँ मैम। ठीक है राइट, हर क्लास और वेबिनार को अपने दिमाग में फीड करता जाता हूँ। मैं एक चाह रहा था, निवेदन ये कर रहा था, क्योंकि अभी तक जिन्होंने लिखा ना वो सिर्फ यो ही लिखा जो उनकी ही ग्रेड में आ रहा था राइट, क्योंकि मेरे पास चैट में बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि 27 का रिपीट कर दो, 23 का रिपीट कर दो और 21 का रिपीट कर दो राइट। ठीक है, सो आई एम रिक्वेस्ट यू दैट कि एक बार उसको स्पीड अप रिकैप कर लेते हैं। ठीक है चलो एक बार एक काम करते भैया, आज सभी से पूछते हैं। चलो फर्स्ट सबसे पहले बताएगा कौन, बताएगा हैंड रेस करो जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन किया 1, 2 या 2, 1। 1, 2 और 2, 1 किसके आ रहे हो हैंड रेस कर ले जी? साकिया जी अनम्यूट कर लीजिए, जो नंबर पूछे जा रहे हैं आपको उसी नंबर के लिए आप हैंड रेस कर सकते हैं। जी अजय जी। यस मैम, ब्रिलियंस या 4 मंथ फेस और 20 मंथ जो है वो वेस्टेज ऑफ मनी कराता है। ठीक है, जिसने नहीं लिखा प्लीज लिखते जाना साथ साथ।
दीपा मैम अच्छा मैं भी रिपीट कर देती हूँ एक बारी, 2-1 या 1-2 अगर आपके मोबाइल में आ रहा है तो आपके दिखाता है क्या ये चीज आपके ये चीज आपके आ रही है सर? ये नंबर मेरे पे नहीं है, मेरे पे ये कॉम्बिनेशन नहीं है। चलिए अब जिनके पास ये कॉम्बिनेशन है प्लीज वही रेज हैंड कीजिएगा। थैंक यू। हम 5-6 क्वेश्चन इसी पे लेते हैं कि जिनके मोबाइल में 2-1 या 1-2 आ रहा हो। जी बताइए प्रिया, सुना प्रिया मैडम सुनाओ जी, अनम्यूट तो कर लो मैडम। हाँ सर। 2-1 1-2 क्या आ रहा है? 1-2 आ रहा है। जो मैम ने बताया वो आपकी बात कहाँ से कनेक्ट कर पा रहे हो? एक्चुअली कुछ टाइम से लोग बोले तुम्हारे चेहरे में ना चमक बढ़ गई है। वो तो बढ़ गई, भगवान करे हमेशा बढ़ती रहे। यू लुकिंग सो ये 1-2 नंबर आया ना तो क्योंकि मैंने मोबाइल नंबर वाली क्लास की है मैम से तो हाँ तो ये नंबर है मेरे मोबाइल में और एक्चुअली ये करता है और एक चीज पूछना था मैम से कि मैम जी सब 2-3 का बोल रहे थे ना कि गज केस पे योग होता है तो ये मोबाइल नंबर नहीं अगर डेट ऑफ बर्थ पे भी तो भी सर डिफेक्ट दिखाता है ना कि दुश्मन आपके हैं बट वो आप पे हावी। हाँ जैसे कि आज मेरा बर्थडे है 23rd August तो हाँ कांग्रेचुलेशन मैम, पहले तो आपको बहुत बहुत मैंने राइट। और प्रिया सुनाओ मैम मुझे आप फोन कर लेना एक बार आप जब भी आप सबने लिखा कि कैसे आपकी लाइफ में वो इम्पैक्ट करता है बिना सोचे बिना डेट ऑफ बर्थ के। अगर आप किसी के मोबाइल में 1-2 या 2-1 देख सकते हो तो ये बात बोल सकते हो कि ये 1-2 है तो चेहरे की चमक या ब्रिलियंस उसके फेस पे दिखेगा या फिर 2-1 होगा तो वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ मनी होता ना मैम? हाँ जी वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ मनी इज देयर। जी कुसुम लता मैम बताइए। मैम एक बार आप भी रिक्वेस्ट करो, आप ही रिपीट कर दो ज्यादा बेटर है। हाँ जी हाँ जी मैं रिपीट कर देती हूँ, उसके बाद हमारा 1-3 या 3-1 एक बार आप रिपीट कर दो फिर क्वेश्चन आंसर लेने में मिले। वन थ्री या 3-1 एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ सारे। एजुकेशन को दिखाता आपकी 13 या 31 13 या 31 राइट, आप बहुत नॉलेजेबल है ठीक है, नॉलेज को दिखाता और आपकी हाई एजुकेशन को दिखाता। उसके बाद मैंने बोला था 1-4 या 4-1 इसमें मैंने बोला था कि कहीं ना कहीं आपको लोन लायबिलिटी हो सकती है और एक बार आप ये भी चेक करेंगे कि आपके स्पाउस पे कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं आ रहा, गवर्नमेंट रिलेटेड कामों में कहीं ना कहीं अड़चन तो नहीं आ रही। उसके बाद हमने 1-5 पढ़ा, फादर से बेनिफिट बताया मैंने इसमें। फिर 1-6 आया, 1-6 या 6-1 कहीं ना कहीं स्पाउस की हेल्थ इश्यूज नहीं तो नहीं आ रहे, ये चीजें हैं। एंड नेवर सेटिस्फाइड विद मनी इसमें हमने लिखा। नेक्स्ट है आपका 1-7 या 7-1 इसके लिए मैंने बोला था कि अगर आप फॉरेन ट्रेवल करना चाहते हैं, आपकी फैमिली में कोई करना चाहता है तो ये बहुत ही अच्छा नंबर है क्योंकि एजुकेशन भी दिखाता है और फॉरेन ट्रेवल भी दिखाता है और इन लोगों के सॉलिड कॉन्टेक्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी मिलने के चांसेस को दिखाता है 1-7। उसके बाद था हमारा 1-8। 1-8 में हमने लिखा फादर रिलेटेड इशूज, हेल्थ में इशूज तो नहीं आ रहे आपकी फादर में। 1-9 में हमने लिखा फ्रीडम लवर होते हैं लोग, उनको कोई काम भी करना है तो बिल्कुल अकेले रह के करना है, इनको रुकना टुकना पसंद नहीं है। उसके बाद हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा 2-3 का, इसमें हमने पढ़ा कि लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, अपने ही बच्चों से इनको रिस्पांस नहीं मिलता है और नेटिव प्लेस से दूर जाके काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, यानी कि जहाँ भी काम करें जितने किलोमीटर दूर होते जाएंगे उतने सक्सेस के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा 2-4 या 4-2 इसमें हमने पढ़ा नेगेटिव थॉट्स। 2-5 में हमने पढ़ा एयर ट्रेवल कराता है नंबर और एस्ट्रोलॉजी और अकल्ट के लिए अच्छा नंबर है। उसके बाद आया 2-6 या 6-2 एजुकेशन में रुकावट को दिखाता है नंबर और आप ये भी चेक कर सकते हैं कि इस पर्सन ने कभी ना कभी बहुत सारे काम किए होंगे, मल्टीपल वर्क किए होंगे उसने अपनी लाइफ में या मल्टीपल प्रोफेशंस चेंज करना या होना ये भी दिखाता है या इनकम के सोर्सेज होते हैं ना अलग अलग से आ रहे हैं तो ऐसे भी दिखाता है 6 एंड 2। 7-2 में या 2-7 में लिखा कि ज्वाइंट पेन के इश्यूज हो सकते हैं। 2-8 में हमने लिखा नेगेटिव थॉट्स आते हैं इनको और ज्यादातर लोग कैसे फोन करेंगे, जो बहुत दुखी लोग होते हैं वही लोगों का फोन इनके पास आता है। इनके घर में लीकेज और सीलन की प्रॉब्लम दिख सकती है, ये भी इसमें आता है 2-8 में। और पैसे का भी मैंने इसमें बताया, पैसा इनके पास आता है पर बहुत रुक रुक के इनके पास पैसा आता है अगर आपके मोबाइल में 2-8 है तो। नेक्स्ट हमने पढ़ा था 2-9। 2-9 में हमने लिखा इन्वॉल्वमेंट विद मनी, मनी के साथ किसी भी तरह का आपका तालमेल दिखाता है
किसी का देना लेना रुक गया हो, दिया गया पैसा वापस नहीं आ रहा, लोन दिया तो लोन चुकाया नहीं जा रहा, या किसी के लिए आपने लेके दिया तो आपके पल्ले पड़ गया, किसी भी तरह का ये इन्वॉल्वमेंट 29 का कंट्रोवर्सी दिखाता है। अब एक नंबर पे एक एक करके बात करती हूँ आप सबके, कौन से कॉम्बिनेशन पे परफेक्ट जा रही है आपकी चीजें। 1-4 या 4-1 किसका जा रहा है लोन का इशू या लाइफ? 1-4 या 4-1 किसके मोबाइल, जिसके मोबाइल में 1-4 या 4-1 है, प्लीज ये रेज मैम, एक साथ होना चाहिए या कहीं पे भी हो सकता है? अभी हम मोबाइल नंबर में एक साथ की बात कर रहे हैं, मोबाइल नंबर में एक साथ आ रहा है, जैसे 98140 या 97914 ऐसे नंबर है, राइट? ठीक है, चलो 1-4 किसी का नहीं है, 1-4 किसी के मोबाइल में नहीं है, है परवीन जी के मोबाइल में है। जी परवीन जी, जी परवीन जी बताएं क्या है आपके मोबाइल में? 99148। तो 1-4 वाली बात है आपके मोबाइल नंबर से, वो चीज है, लोन लायबिलिटी या गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज कोई आ रहे हैं आपको? नहीं, एक्चुअली आई हैव रिटायर्ड नाउ। ओके, या और नंबर कब से यूज कर रहे हो? कब से यूज कर रहे हो? ऑलमोस्ट 15 18 20 इयर्स। ठीक है, तो आपको ऐसी अड़चने आई कभी गवर्नमेंट रिलेटेड कामों में, अड़चन आई? I was with मतलब कॉर्पोरेट सच था, तो मेरे को ऐसा I never felt it कि मेरे को कुछ लगा हो उसमें कोई। ठीक है जी, नीता बगारिया मैम अनम्यूट मैम। किनको अनम्यूट किया मैम? नीता बगारिया मैम, मेरा 4-1 है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं मेरे साथ इशू। हाँ जी, मेरा 4-1 है लास्ट में। हाँ, बट ऐसे इश्यूज कुछ भी नहीं है मैम। ठीक है, लास्ट में देखो एक बात बताऊं, लास्ट का नंबर अगर 1 आता है तो वो भी आपको बहुत ब्लेसिंग देके जाता है, बट वो किसके साथ आ रहा है ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, आपका नंबर, हाँ, प्लेसमेंट भी बहुत कुछ बताती है प्रोफेशन के लिए। ओके थैंक यू मैम। ठीक है, किसी का 1-4 का इशू है? जी राघव वोरा मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरे हस्बैंड का नंबर है 94171460604। 4-1 भी आ रहा है और 1-4 भी आ रहा है, तो लोन का है। ठीक है, लोन का इशू भी दिखाता है। देखो कई बार ना लोग हमें बोलते हैं कि गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज कोई नहीं आते, आप देखो कई बार ना लोगों के चलान बड़े कटते हैं या कई बार इनकम टैक्स के लेटर्स बहुत आते हैं, तो ये भी क्या है कि बिना बात की आप कई बार किसी तरह के चीजों में फंस जाते हैं, सही बात। तो ये उसको भी दिखाता है, सिर्फ गवर्नमेंट रिलेटेड का मतलब नहीं कि आपका हर समय को टेंडर थोड़ा, हम सारे के सारे बिजनेसमैन टूर्नामेंट में टेंडर ही जाते हैं सबके, तो इश्यूज ये भी होते हैं क्योंकि आता लेटर का गवर्नमेंट क्या है। और मैम ये लोन हमें कोई नीड नहीं थी, ऐसे ही जैसे जस्ट ऐसे ही किसी ने बोला ले लो, हमने ऐसे ही ले लिया, हमने उसका कुछ यूज भी नहीं किया, बस ऐसे ही ले लिया। ठीक है, जब आपने ले लिया होगा ना तो सर की चल रही होगी, आठ की महादशा चल रही होगी, कहीं ना कहीं सैटर्न की महादशा चल रही होगी और आपने वो लोन ले लिया, पर वो उतर जाएगा, समय लगेगा उसमें, उतर जाएगा अगर नहीं उतरा। थैंक यू मैम। और जब भी लोन देना कभी भी सोचेंगे कि आपने स्टार्ट करना है जिससे भी लिया हुआ है, तो ट्यूजडे के दिन स्टार्ट कीजिए। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम मैम। एनीबडी उर्मिला मैम जी, मिला मैम अनम्यूट कीजिए। क्या नाम बताया मैम? कर लिया सर। यस मैम। मैम मेरे मोबाइल में जैसे 96081 है, टू के बाद 00 है मैम, तो उसका मीनिंग क्या हुआ? अभी मैं उसके मीनिंग पे तो कराया ही नहीं अभी मैम, हमने कुछ मीनिंग पढ़ा ही नहीं अभी, तो हमने हम सिर्फ 41 की अभी बात कर रहे थे। चलो नेक्स्ट होता है, हम कोई कॉम्बिनेशन ले लेते हैं 6-1 का। किसके पास आ रहा है 6-1? मैं पहले हैंड डाउन कर दूं? हाँ प्लीज। जिनके मोबाइल में 6-1 ऑन है वो अपना मोबाइल हैंड रेज कर सकते हैं, 1-6-6-2 हाँ, दोनों ले लो। चैट में लिखने से बेटर आप हैंड रेज कर लें। आई विल अनम्यूट योरसेल्फ। आईफोन जी अपना हैंड रेज कर लीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। जी विनोरमा जी के है, अपना कैमराज भी ऑन कर लीजिए प्लीज।
जी कविता जी, जी कविता मैम अनम्यूट कर लीजिए, मैम विनोरमा जी अनम्यूट कर लीजिए। जी सर। हाँ सर जी बताइए। 1661 मैम विनोरमा मैम आपके मोबाइल में 1661 है? यस सर वो एक और कोई बोलने लगी थी ना मैम, इसलिए चुप हो गई थी मैं। मैम सर अभी हम लोगों ने 2-3 महीने ही हुए नया नंबर लिया है, उसमें आया हुआ है ये नंबर। अभी के नंबर की बात नहीं कर रहे मैम, वाइब्रेशन से आपको पहला नंबर अगर यूज कर रहे हो तो उससे पता चलेगा ना, नए नंबर का वाइब्रेशन इतनी जल्दी थोड़ा आएगा अगर आपने अभी भी लिया तो। हाँ तो 3 महीने हो चुके हैं मैम। नहीं 3 महीने में इंपैक्ट नहीं आएगा आपको, इसका इंपैक्ट देगा कम से कम 8-10 महीने। ओके कम से कम 8-10 महीने में। ओके जी कविता जी। जी शिल्पा जी। राधे राधे जी। राधे राधे जी। राधे राधे। राधे राधे मैम। हेलो मेरा नंबर है 9881681747। तो 16 की वजह से जो इश्यूज मैम बता रही वो आ रहे हैं आपके मोबाइल? जी जी हाँ आ रहे हैं। जी दीपा मैम क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, नंबर देखेंगे पूरा, अभी तो सामने एक नंबर पड़ा है। देखिए शिल्पा मैम एक बार म्यूट करेंगे, कहीं से आवाज आ रही है। अनम्यूट करो, आप तो अनम्यूट करो। देखिए हम जो नंबर्स पढ़ रहे हैं ना ये भी डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी प्लेसमेंट पे आ रहे हैं, उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। और फोन नंबर में हर एक नंबर का एक अलग इम्पैक्ट होता है, हमें किस नंबर को कब चेंज करना चाहिए इसको हम पढ़ेंगे क्लास में आराम से, और पूरा समझने के बाद ही हमें अपना फोन नंबर चेंज करना चाहिए, क्योंकि हम एक क्लास में सब कुछ कवर नहीं कर सकते, आपको भी पता है। तो हम इसको देखेंगे कि इसको आप कैसे चेंज कर सकते हो या उसके रिप्लेस पर क्या कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि नया नंबर भी अगर आप लेंगे हो सकता है बाकी डिजिट अच्छी हो आपके मोबाइल में। मैं मेरे नंबर में जो है। हाँ जी कहाँ से आवाज आई, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे कहाँ से आवाज आ रही है। आप स्पीकर व्यू कर लो मैडम। जी शिल्पा जी से बात चल रही है आपकी। ओके जी शिल्पा जी बताइए। मैम मेरी क्या रही है भैया? चलो चलिए आगे नंबर्स पे चलिए क्योंकि बहुत सारे हैं। आप अपने आप ले लीजिए भैया नंबर्स, तो हम बात करते आते हैं और फिर आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। जी आज उनको बोला मैंने 7 और 8 नंबर के बारे में बताऊंगी, अगर आपके वो ही बार आते हैं तो आपकी लाइफ में क्या इशू। एक सेकंड होल्ड करें, आप अनम्यूट करें दीपा मैम। जी आईफोन जी प्लीज अनम्यूट सर। दीपा मैम प्लीज अपने आप को अनम्यूट रखें। हाँ जी हाँ मैडम बताइए। सर मेरा 25 साल से एक नंबर है 9825515 6। तो मैंने अभी एक महीने पहले एक नया नंबर लिया 9537713137। ओके तो मैंने वो वाला नंबर अभी यूज करना I don't know why, ऐसे ही बंद कर दिया कि मुझे मजा नहीं आता, और पापा के जाने के बाद ही ये हुआ। इट्स वेरी बिग कोइंसिडेंस, अभी जब आपने लिखवाया ना तब मेरे को ये हुआ। अभी मैडम मेरे पापा के घर से प्रॉपर्टीज मिलने की चांसेस है, तो मैं उसको यूज करना चालू रखूं? हाँ चालू रखो मैम, बिल्कुल रखो मैम, बिल्कुल रखो मैं, मिल जाएगी एक्युमुलेटेड वेल्थ आपको। दूसरी बात, फिर ये 9537 लिया है। दूसरी बात, जो सेकंड नंबर लिया है ना आपने, सेकंड नंबर लिया है, ये कंसीडरेड नहीं है मैम, द वाइब्रेशन विल बी गोइंग टू चूज यू। आपको लोगों को सिर्फ वो, अगर आप मोबाइल नंबर को डिजाइन नहीं कर सकते तो जो मोबाइल नंबर है, जो नंबर्स हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, वो आपको चूज करती है। सही है, राइट? सो टाइम टू बीइंग ऑन चूज द थिंग्स, मतलब अपने आप वो चीजें आपकी लाइफ में आती चली जाती है, राइट?
या थैंक यू फॉर कंफर्मिंग दिस थैंक यू वेरी मच थैंक यू जी रीना सर ग्रेट नॉलेज थैंक यू वेरी मच वेलकम जी रीना जी हाँ एक मिनट जी सर हेलो 16061 के बारे में बात चल रही है आप हाँ तो लास्ट में 6111 है 6111 है 61 आ रहा है आपके मोबाइल में हाँ हाँ पूरा नंबर बताओ एक मिनट मैंने चैट में डाला 9606796111 कब लिया ये नंबर ये हो गया 10-11 महीने में इतना इंपैक्ट नहीं आएगा मैम कि हेल्थ इश्यूज लोन ये जल्दी इंपैक्ट नहीं दिखाते इसको समय लगता है लेकिन हेल्थ इश्यूज तो आई है मैम उसके बाद आया है नंबर लेने के बाद आया जी मैम मेरी बेटी का ये नंबर है लेकिन वो पहले कभी बीमार नहीं पड़ती थी लेकिन उसके बाद उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है जब से ये नंबर दिया है राइट सो मैम इसकी ना वाइब्रेशंस के अंदर ऐसे धीरे धीरे कनेक्ट होना शुरू हो गया है तो मैम इस नंबर को अब मतलब कि इधर नहीं यूज कर रही है मैंने कैसे डिस्कार्ड करेंगे मैम सिर्फ क्लास एक नंबर से नहीं करो कुछ भी चेंज पहले आप बात सुनो राहुल जी क्या कह रहे हैं पूरी बात सुनो जी सर बताइए क्या है कि द थिंग इज दैट मैं आप सबको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि नंबर्स की वाइब्रेशन आपकी लाइफ पे हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप करियर प्रोफेशन फैमिली रिलेशंस थॉट्स प्रोसेस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट रोल प्ले करता है सबसे बात करने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये सिर्फ यहाँ पे हम आपको इतनी बात समझा सकते हैं कि भैया ये नंबर आपके लिए ये वाइब्रेशन प्रॉब्लम कर रही है अगले 5 दिन या 6 दिन की जो क्लास आती है दीपा मैम की वहां उसको प्रॉपर समझो 5 दिन प्रैक्टिस करो उसके बाद अपने लिए एक नया नंबर डिजाइन इस तरीके से करो जो आपके जीवन में रोल प्ले करे ठीक है सर कब आ रही है क्लास वो बताता हूँ मैम अभी 2 मिनट में चलो ये पहले बताते हैं एक सेकंड रुक जाइए बता देते हैं सो दीपा मैम की 5 दिन की एडवांस प्रेडिक्टिव मोबाइल न्यूमरोलॉजी की क्लास आ रही है 2300 में 25 अगस्त मतलब परसों से रात को 9:01 क्लास विल बी गोइंग टू वंडरफुल सेशन 5 दिन का सेशन जहां हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं 1 to 9 ऑफ मोबाइल नंबर के अंदर 1 to 9 की कैरेक्टरिस्टिक जो नंबर 7 आ रहे हैं कंजक्शन की जैसे मैम ने पढ़ा उनसे क्या इम्पैक्ट पड़ा है जो नंबर 1 छोड़कर 1 आ रहा है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा 4 एक्सपेक्ट क्या पड़ेगा शॉटगन्स की तरह मतलब जो नंबर्स आ रहे हैं जो नंबर आपके रेट के अंदर कहीं भी आ गया मोबाइल में 2 नंबर वो आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट रोल प्ले कर रहे हैं 3 नंबरों का एक साथ आने का क्या इम्पैक्ट रोल करेगा 1 जैसे नंबर रिपीट होने से उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा प्लेसमेंट ऑफ नंबर आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट रोल प्ले करेगा वो सब का सब कुछ इसी क्लास में आपको मिलने वाला है 5 डेज की क्लास जहां आपको पीडीएफ रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट और पूरी क्लास का नॉलेज मिलने वाला है दीपा मैम से यहां आपको सर्टिफिकेट मिलेगा लाइव क्लास रिकॉर्डिंग में मिलेगी और पीडीएफ मिलेगी लाइव क्लास दीपा मैम के साथ आप ज्वाइन भी करेंगे तो 23 दिनों 5 दिनों की क्लास 5 से 6 दिन 2300 रुपए में मात्र आप लोग ला सकते ज्वाइन दिस वंडरफुल सेशन विद दीपा मैम तो आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं 2300 रुपए मात्र में मुझे संपर्क कर सकते हैं 7715930333 मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ यू कैन कनेक्ट विद मी एट द नंबर ऑफ 7715930333 जी चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं जी। एक बार बात कर लेते हैं सुबोध कुमार जी से जी सुबोध जी सर नमस्कार सभी को नमस्कार एक्चुअली मेरा एक नंबर था 7567565614 7567565614 सर मुझे लोन की प्रॉब्लम आई थी क्या हाँ लोन की प्रॉब्लम आई थी और मतलब इतने सारे उतार चढ़ाव आ गए थे सर मतलब इतना डिफेमिंग हुआ मुझे एक चीज बताओ बॉस आई नो यू कि मेरे पहले वेबिनार में आए हो कभी नहीं सर फर्स्ट टाइम हूँ फर्स्ट टाइम है सी दैट्स 14 अगर मुझे आपका नंबर से मुझे फोन पे अगर पूछते कि बॉस राहुल जी मैं सुबोध बोल रहा हूँ और मेरे को आपसे कंसल्टेशन आपका नंबर बता दे तो मैं सिर्फ इतनी सी बात पूछता आपसे कि आप लोन के अंदर फंसे हुए हो क्या हाँ सर फंसा हुआ था आप हाँ बोलते ठीक है आप अपनी कुंडली भेज दो हम आपसे चार्ज कर लेंगे आप हाथ जोड़ के पैसा भेजते तो ये जादू है आपके नंबर क्या जो हम सिखाने वाले हैं
एक्चुअली फिर मेरी बात संदीप सर से हुई थी, तो मतलब उन्होंने, मैं बोला कि सर बहुत क्रूशियल कंडीशन में हूँ और दो चार नंबर दिया, तो एक नंबर उन्होंने मुझे कहा कि ले लो आप, दैट इज 9574 317 1 4 का सर 100% I do agree. मतलब बहुत सारे, मतलब इसमें जितना बता रहे उसे भी बहुत ज्यादा मुझे प्रॉब्लम फेस हुए हैं, इसलिए मतलब मैं सोचा कि नहीं ये समझने जैसे चीज है, इसलिए मैं ज्वाइन किया। बिल्कुल, ये क्लास आपको समझ है, 5 दिन के क्लास अपने आप एक्चुअली में इतनी अच्छी साइंस है, आपको इसके लिए न्यूरोलॉजी पढ़ने की अगर नहीं भी किसी को आती, अगर अपने प्रोफेशन के लिए भी यूज करना चाहें तो ये भी बहुत अच्छी साइंस है। एक बार मैं खाली समझ लेता हूँ, मेरा प्रोफेशन कुछ और है, मगर मुझे सिर्फ मोबाइल नंबर बढ़िया चाहिए कि करियर इनहांस वगैरह हो और घर में थोड़ा सुकून रहे, बस और कुछ नहीं। सर जितने में आप मुझसे मोबाइल नंबर की कंसल्टेशन लोगे ना किसी से भी, जी सर, उतने में तो एक क्लास पढ़ा दूंगा मैं, फिर जिंदगी भर अपना, अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का करते रहना। ओके, सर अपने आप शुरू कर देंगे, और पैसे भी अलग कमाना, जो पैसे कमाओगे वो अलग बोनस कमाओगे। सर मैं भला ही कर दूंगा, मुझे कमाने के नहीं है, कितने लोग, मतलब मैं कितना परेशान था ना सर, वो मुझे मालूम है, ये लोग इसे निकल जाएंगे, बहुत भावना है ना भला करने वाली, ये सिर्फ उसी में आती जो खुद परेशानियों से फेस करके निकला हुआ होता है। सर मैं कह नहीं सकता मैं, मतलब कितने, मगर आप मुझे एक बार कनेक्ट कर लीजिएगा 7715930333 पे आफ्टर दिस वेबिनार। थैंक यू सर। जी मिश्रा जी, हेलो जी सर। जी सर, राधे राधे सर। श्री राधे जी। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है, जो मैडम जो पढ़ाने वाली है वो क्या लोसो ग्रेड का आधार पे होगा या फिर कोई दूसरा? ये एडवांस प्रेडिक्ट मोबाइल इम्यूनोलॉजी है, ये वैदिक बेस्ड होती है। अच्छा, वैदिक बेस्ड होगा, लोसो ग्रेड बेस्ड नहीं होती, ये वैदिक बेस्ड है। मैं आपको बताता हूँ, दीपा मैम वैदिक न्यूमोलॉजिस्ट हैं और ये वैदिक का एक चैप्टर है, राइट? 5 दिन का 6 दिन का एक चैप्टर है जो आपको पढ़ाया जा रहा है अलग से मोबाइल न्यूमोलॉजी, क्योंकि सबसे ज्यादा आपके पास यूज आने वाला जो इक्विपमेंट है वो है मोबाइल, और सबसे ज्यादा उसकी वाइब्रेशन आपके साथ रहती है, इसीलिए ये क्लासेस लेके आ रहे हैं दीपा मैम आपके लिए मोबाइल न्यूमोलॉजी की, राइट? इसमें सिर्फ आप मोबाइल न्यूमोलॉजी के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे और कंसल्ट भी कर सकेंगे और उसको प्रेडिक्ट भी कर सकेंगे, उसका सॉल्यूशन भी दे सकेंगे अपने लिए भी और क्लाइंट्स के लिए भी, राइट? सर जी, और वो रिकॉर्डिंग सर कितने दिनों के लिए रहेगा? रहेगा सर 1 साल तक आपकी रिकॉर्डिंग रहेगी, 8-6 महीने से 1 साल तक रिकॉर्डिंग रहती है। 6 महीने में 8 महीने में पूरी रिकॉर्डिंग आप 10-20 बार रिपीट कर चुके थे, 6 महीने बाद कोई नहीं कर सकता, जिसने 6 महीने नहीं सुनी उसने कभी नहीं सुनी। और सर व्हाट्सएप का कोई सपोर्ट मिला है, कोई ग्रुप बनेगा जिसमें डिस्कशन साथ आप रहोगे, वहां क्लास का एक ग्रुप बनेगा, यू कैन आस्क द फ्यूचर क्वेश्चन इन द व्हाट्सएप ग्रुप। ओके सर, ओके। ये कॉमन चीज है, हम आपको व्हाट्सएप सपोर्ट दे रहे हैं, हम आपको रिकॉर्डिंग दे रहे हैं लाइफ टाइम, हम आपको PDF दे रहे हैं, हम आपको सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, ये 10 चीजें बताने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन सी चीजें सबको मिलनी, यू ऑलवेज देयर, ये इन द ग्रुप, आपके पास मेरा नंबर हमेशा रहेगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप हमेशा रहेगा, सर्टिफिकेट हम आपको दे रहे हैं, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग भी दे रहे हैं, PDF नोट्स भी दे रहे हैं, राइट, और क्लास भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और लाइफ टाइम सपोर्ट बोल देता हूँ, लोग कर देते हैं लाइफ टाइम, 5 महीने में तो 4-15 दिन में तो आप इससे एक्सपर्ट हो जाओगे बॉस, यू गोइंग टू गाइड अस, मतलब लोगों को आप गाइड करोगे, राइट? जी सर जी। सो प्रिपेयर योरसेल्फ, मैं आपको वो वाले नहीं, ऐसा ये आ रहा है ये भी देंगे, वो सब चीजें कॉमन है यार, राइट? जो आप सोच रहे हो जो वो सब कॉमन चीजें होता है, आपके हमेशा रहेंगी हमारे साथ, राइट? मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस वंडरफुल सेशन, आपका स्वागत है सर। मैंने जान जान कर रहा हूँ सर, बिल्कुल स्वागत है, तभी तो स्वागत है सर। जी 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 अजय जी, थैंक यू मिश्रा जी। सर मैंने, मैं दोबारा, नहीं नहीं, प्लीज 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 डोंट बी अ सॉरी, आस्क व्हाटएवर यू वांट टू आस्क। एक्चुअली मेरे पास एक नंबर था जो मेरे साथ 23 साल रहा। जी सर, आई एम रिटायर्ड AGM फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नंबर बताएं सर, पहले मुझे नंबर बताएं। 9936129914। आराम से सर, 9996312914। 9914 मैम रेगुलेशन फॉलो करने वालों में से हैं, जो चीज जहां रखी थी वहीं। एक सेकंड अजय जी, आप जो दीपा मैम बोल रही वो भी सुनो पहले, उसके बाद आपसे बिल्कुल सुनते हैं हम आपकी बात भी। जी अजय जी, लाइफ टाइम रूल और रेगुलेशन फॉलो करने की आदत पड़ गई है? बिल्कुल बिल्कुल।
डिसिप्लिन ज्यादा हो गया सर जी, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है, थोड़ा आराम दे दो जीवन को। अभी 63 का हो गया हूँ, लेकिन अभी भी मैं ऑकल्ट में पूरी तरह से डूबा हुआ हूँ, रियल एस्टेट में डूबा हुआ हूँ। मोस्ट वेलकम सर, ऑकल्ट में आप जैसे बड़े लोगों की हमेशा ब्लेसिंग बनी रहे। सर आई वांटेड टू शेयर वन थिंग, मेरे पास 14 और 16 के दोनों के वाइब्रेशन रहे हैं 23 साल जी सर। इन 23 सालों में पब्लिक की हेल्थ, सॉरी वाइफ की हेल्थ बहुत ज्यादा बड़ा इशू मेरे लिए रहा है जी सर। लोन का इशू मेरे लिए बहुत बड़ा रहा है, अब और इनकम का भी इशू रहा। सिर्फ एक क्वेश्चन सर, क्या आपको लगता था कि आपने ऑकल्ट में होंगे, क्या आपको लगता था ये बात कि ये सारी कहीं आपके ग्रह नक्षत्रों में अटका हुआ था मामला? नहीं सर, कह सकते हैं कि ये वाइब्रेशन अपने आप अट्रैक्ट होके मेरी तरफ आए। ये जो आपने पूरा जो अपने कंधों में बोझ उठाया ना सर, हैं ये मोबाइल के अंदर सिम डाल के उसको जेब में डाल के आप हमेशा साथ 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 लेके दिन रात घूम रहे, और अगर इसकी जगह पर अगर आपने 15 नंबर कर लिया होता तो काफी हद तक जीवन बदलाव में आ गया होता। सर अब मैंने वो मोबाइल हटा दिया है बिल्कुल, मेरे पास में है क्योंकि उससे आधार वगैरह सब जुड़ा हुआ है जी जी, तो वो एक दूसरे मोबाइल में डाल के उसको रख दिया है। आई डोंट रिसीव एनी कॉल फ्रॉम दैट फोन, केवल मैसेज उस पे आता है या मिस कॉल आती है, मैं दूसरे नंबर जो मैंने लिया हुआ है उससे मैं कॉल करता हूँ जी। पर इट्स स्टिल नॉट डिस्कार्डेड, मतलब वो अभी वाज नॉट डिस्कार्डेड। So, इस क्लास का सबसे बड़ा एक चीज दिखा आपको बताऊंगा, जैसे कि सर का नंबर है, जैसे आप लोगों के बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जो 25 साल 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल, मतलब जब से मोबाइल्स हैं तब से आप लोगों के पास ऐसे नंबर होंगे जो आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते हो, राइट? दैट्स अ ट्रू। बहुत सारे ऐसे नंबर है, बहुत पुराने नंबर है, बहुत जगहों पर बढ़ चुके हैं, ऐसी जगहों पर जा चुके हैं जहां हम बदलाव की स्थिति में नहीं होते हैं, ठीक है, या ऐसे सेक्टर में वो नंबर जा चुका है जहां हम उसको निकाल नहीं सकते नाउ, बट वाइब्रेशंस इज ऑलवेज देयर। आपके पास वो वाइब्रेशंस आपके पास है ना सर, बिल्कुल। आपको एक सर्कल ऑफ बनाया जाएगा, एक सर्कल यंत्र का बनाकर सिखाया जाएगा जो आप इसके पीछे अपने मोबाइल के पीछे उसके साथ अटैच कर देंगे, ताकि आपकी वो एनर्जीज हैं वो आप पर दोबारा फ्यूचर में रिफ्लेक्ट नहीं करें, राइट? आपने बात की था, थैंक यू टू, तो आपने क्वेश्चन उठाया ताकि मुझे याद आया कि ये भी एक चैप्टर है हमारा, तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए भी आ रहा है जहां पे आपको ऐसा यंत्र भी मिलेगा इस क्लास के अंदर जहां आपके साथ पुराने नंबर की वाइब्रेशन को डिक्रीज करना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ डिस्कार्ड करना, मैं अपने वर्ड को पहले क्लियर कर देता हूँ, डिक्रीज करना मतलब कम करने की पूरी तैयारी आप कर लो, समय अनुसार वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। थैंक यू, थैंक यू, वेलकम टू द क्लास सर। आगे करा दो भैया थोड़ा सा, 7 नंबर 8 नंबर ये मोबाइल नंबर पीछे लास्ट 2 साल पहले नया लिया था संदीप सर से ही, मतलब नंबर बताइए 191, आवाज नहीं आ रही है, 191 हाँ जी, 35955 सर। ये कौन सा कहाँ का नंबर लिया आपने? हाँ जी, यूएस, यूके, यूएस, दिल्ली का नंबर है सर। नंबर फिर आपका 19 के कोड 19 की कौन सी सीरीज आ रही है सर? 93191 93 तो आवाज ही नहीं आई है, 93191 35955 मनी 2 साल में इतना पैसा कमा रहे हो, उतना कम लगता है? फ्रीडम शिप बहुत बढ़ गई है दादा, अनम्यूट करो सर जी, कैमरा बंद कर दो, आवाज आ जाएगी, अनम्यूट कर लो, अनम्यूट करो सर। अश्विनी भाई, दीपा मैम, आप, सॉरी खुराना भाई,
दीपा मैम आप करो अनम्यूट, देखो मेरे यहाँ से नहीं हो रहा। हो गया जी। जी 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 राइट। सो खुराना साहब इन दो सालों में फ्रीडम लवर ज्यादा हो गए हो? ऐसा तो ऐसा है, ऐसा है जी। राइट। और मनी से अब संतुष्ट कम होते हो आप? तो जितनी सोर्स ऑफ इनकम है उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर है, वो अलग बात है बॉस। पर जितना भी हम पैसा दे दो उतना कम लगता है। अच्छा इंटेलेक्चुअल नंबर है ये और बहुत अच्छा नंबर है वैसे, पर इसकी वजह से आपको फास्ट रिएक्शंस और ओवर एनर्जेटिक हो गए हो, फास्ट रिएक्शन करने लग गए हो बस इन दो सालों में, इन एक साल के अंदर तो लग रहा है फास्ट रिएक्शन हो गया, ओवर एनर्जी मतलब तुरंत प्रभाव से ओवर एनर्जी के साथ रिएक्शन कर देते हो बहुत फास्टली। ये नंबर आपको ये परेशानी दे रहा है, बाकी ऑल ओवर नंबर अच्छा है। मेरा एक्चुअली बर्थ नंबर है 3 और डेस्टिनी नंबर है 8। बर्थ नंबर 3 और डेस्टिनी नंबर 8, ठीक है ना? इसका टोटल 50 पे आ रहा है, आपके लिए सपोर्ट कर रहा है पूरा। हाँ जी राइट। अच्छा नंबर है ओवरऑल, थोड़े फास्ट रिएक्शन को कम करो, पीछे एक यंत्र लगा लो, नहीं हो तो मुझसे ले लेना यंत्र लगा लो, उससे थोड़ा आराम आ जाएगा। नंबर अच्छा ऑल ओवर। थैंक यू, मैं कॉल करता हूँ सर, राहुल सर आपको कर लो वेबिनार के बाद। राइट जी। दीपा मैम आगे पढ़ाएं पहले? जी कर लेते हैं आगे। जी बताइए क्या पढ़ा रहे हैं, थोड़ा आराम से मैडम। सॉफ्ट लैंडिंग है चंद्रयान की, आपको मालूम नहीं तो आप भी थोड़ा सॉफ्टली पढ़ा दो आज। जी ठीक है चले। 7 के बारे में लिखते हैं, 7 और 8 की बात हुई थी हमारी स्टार्टिंग में, मैम पूछ रहे थे 8 के बारे में, 7 के बारे में बता दो। 5, 6, 7, 8 सब बता दो, जो बताना चाहते बता बता दो, हम लिख लेंगे। ठीक है लिखिए फिर। अगर मोबाइल नंबर में 7 अगर आपका 1 टाइम आता है तो क्या होगा, 2 टाइम आएगा तो क्या चेंजेस आपको मिल सकते हैं? अगर एक बार अगर 7 आ रहा है तो ये आपकी पर्सनैलिटी बताते हैं कि आपके जीवन में जो भी लॉस हो रहा है या कुछ नेगेटिविटी आपके पास आ रही है तो आप उनसे सीख के आगे बढ़ते हैं। अगर 1 टाइम आ रहा है आपकी लाइफ में जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स आए, निराशाएं आई या कुछ भी लॉस हुआ, उनसे सीख के आप आगे बढ़ते हैं और उसके बाद जो आपकी नेचर है बिल्कुल शांत हो जाती है और आपका एक जीवन का ना असूल हो जाता है, जियो और जीने दो, ऐसा हो जाता है। अगर सिंगल 7 आ रहा है तो कितने लोग एग्री करेंगे जिनके पास सिंगल 7 है? हैंड रेस कर देना, कोई बात नहीं समझ में आ जाएगा मुझे। मैं पहले से जो हैंड रेस उनको डाउन करना पड़ेगा। हाँ गिरा दो ये हाथ पीछे। जी ठीक है सरिता मैम, एग्री वाले हैंड है ना, आयु गुप्ता एंड सरिता जी। गुप्ता जी एक बार 7 आ रहा है आपके मोबाइल में? यस सर। ऐसी स्थिति है जो मैडम बता रही है? यस। थैंक यू बट बन के साथ बन के साथ आ रहा है 7। कोई बात नहीं विदेश भेजेंगे आपको, टेंशन मत लो, विदेश ही भेजेंगे। बन सेवन बन बिल्कुल मैम कैसा है ये बन सेवन अच्छा है। अभी बाकी नंबर मत पूछना, जितना पूछो चलो। अभी लिखो, अगर मान लो अगर आपके मोबाइल नंबर में 77 आता है, 7 अगर 2 बार आता है, ये लोग भी, इन लोगों को लाइफ में हो सकता है अपना ना मैरिज टूट गई या किसी के साथ अफेयर चल रहा था, रिलेशनशिप चल रहा था वो टूट गया या पैसा बहुत ज्यादा लॉस्ट हो गया है, और जैसे कभी ईश्वर के ऊपर विश्वास किया नहीं तो एक चीजों में लॉस होने के बाद, मतलब रिलेशनशिप का लॉस हुआ, हेल्थ का लॉस हुआ, उनके लॉस के बाद जैसे मान लो आपको नजर आए, उम्मीद नजर आई कि नहीं अध्यात्म में आने पे ही आपको कुछ सफलता मिलेगी या कुछ भगवान ही आपका तारणहार बनेगा, तो आपका विश्वास अध्यात्म की तरफ बढ़ने लग जाता है अगर आपके पास 77 है। सिंपल मीनिंग क्या 77 ये दिखा रहा है, अगर आपके पास कुछ चीजों में नुकसान हुआ है, चाहे वो हेल्थ इश्यूज है, चाहे वो पैसे का इश्यूज है, इन सब में नुकसान हुआ है, तो उसके बाद आपका भरोसा ईश्वर के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो वो क्या होता है अडिग हो जाते हो आप उस पे कि अब इसी पे चलना है, ठीक है वो जो कर रहा है वो करेगा सर माथे पर, ऐसा हो जाता है। और कभी कभी इनका जो ध्यान है ना मोक्ष की तरफ भी जाने लगता है, ईश्वर करे ये मेरा आखिरी जन्म हो, ऐसा भी इनका ध्यान इस तरफ जाने लगता है और इनका इंटरेस्ट अकल साइंस की तरफ
बढ़ने लगता है अगर मोबाइल नंबर में 2x7 आ रहा है। इनका एनालिटिकल स्किल बहुत शार्प हो जाता है। एनालिटिकल स्किल, सेवन को, केतु को हम एनालिटिकल स्किल से देखते हैं, वो बहुत शार्प हो जाता है, जिससे वो चीजों को बहुत सोच समझ के करने लगते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे मल्टीपल, मल्टीपल सेवन में लिखेंगे थ्री। अगर थ्री टाइम अगर आपके पास सेवन आ रहा है तो यू नो इन लोगों को हर तरह की फील्ड में सिर्फ धोखा मिलता है। मोबाइल नंबर में 3x7 और अक्सर इनको धोखा अपनों से ही मिलता है। मल्टीपल सेवन, एग्री हो तो चैट में लिखते जाना भाई, और डिसएग्री हो तो भी लिखना भाई, ऐसा नहीं है कि हम एक चीज को बात को पकड़ें। राइट, इस चैट ओपन फॉर ऑल। आप एग्री हैं तो एग्री लिखें, डिसएग्री हैं तो डिसएग्री लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। सही तरीके से प्रिडिक्ट किया जाए तो 90-100% भी चली जाती है। और डीप एनालिसिस के जैसे दो मिनट की एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, पर अगर यही हम उसको ढंग से डीप एनालिसिस करेंगे तो 100% प्रिडिक्शन जाती है। और तीन बार सेवन ये भी दिखाता है इनको इतनी लाइफ में हर जगह धोखे मिलते हैं, परेशानियां मिलती हैं, तो सबसे पहला धोखा घर से मिलता है। हाँ, अपनों से ही मिलता है सबसे पहले। लाइफ का स्ट्रगल वैसे ही घर से ही शुरू होता है, बाहर वालों से नहीं शुरू होता जी। जितना इनको ये चीजें मिलती जाती है पर इनके अंदर इनर स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, इनर स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग हो जाती है इनकी जी। मैरिज लाइफ में भी इशू आते हैं इस नंबर से। फोर टाइम सेवन, सात का चार बार आना, सात अगर चार बार आएगा तो हेल्थ इशू जरूरत से ज्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं। पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी परेशानियां बहुत बढ़ जाती हैं। पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी आपकी परेशानियां बहुत बढ़ा देता है नंबर। मतलब आप बैलेंस नहीं कर पाते, ऐसी हो जाती लाइफ कि आपको समझ नहीं आता कि मुझे बैलेंस बनाना कैसे है। और कई बार क्या होता है, जब इतनी सारी परेशानियां देखते हैं ना, तो ऐसे लोग पता है कैसे बन जाते हैं, एकदम वो जाते हैं हाई नॉलेजेबल, हायर नॉलेज, क्योंकि लाइफ में इतनी सब चीजें देख चुके होते हैं, तो ये अच्छे वक्ता भी बन जाते हैं, गुड स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर भी बन जाते हैं कई बार, ये इतने दुख देख चुके होते हैं। फोर टाइम सेवन भी आपको अकल की तरफ खींचता है, फोर टाइम सेवन भी आपको अकल की तरफ खींचता है। फोर टाइम सेवन भी अकल की तरफ खींचता है विनोरमा मैम। लाइफ में बैलेंस नहीं कर पाते लोग, बहुत दिक्कत आती है, बट इतनी सारी परेशानियों के बावजूद ये लोग अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं या अच्छे वक्ता, कम्युनिकेशन इनका स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि इनर स्ट्रेंथ इनकी बढ़ जाती है इतनी परेशानियों के बाद। क्योंकि सेवन ना एक ऐसा नंबर है कि जितनी बार गिरता ना उतनी बार उठने की ताकत होती है इसके अंदर, नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं ना तो अपने आप को उठाता भी है ये। अब मान लो मोबाइल नंबर में अगर सेवन नहीं है तो क्या होगा, अगर है ही नहीं तो भी देखोगे आपके लाइफ में एक पीस मिसिंग होता है। सेवन नहीं है तो पीस मिसिंग होता है आपकी लाइफ में, एक अशांति सी रहती है। कई बार सेवन ना होना ये भी ऑब्जर्व करना, हो सकता है उनका बेबी ना हो या बेबी डिले हो रहा हो, ये भी चेक करना, या है तो उनसे शुरू से ही दूर रहा है या फॉरन भेज दिया,
या बच्चा वापस ही आना चाहता है, इस तरह के ऑब्जर्वेशन भी मैंने देखे जिनके मोबाइल नंबर में 7 नहीं है। इनको यूरिनरी रिलेटेड इश्यूज भी आ जाते हैं। ठीक है, अभी हमने 7 का जितना भी पढ़ा है, अब आप में से कितने लोग उन चीजों से सहमत हैं, वो लोग हैंड रेस कीजिए, फिर मैं आपको 8 भी कराती हूँ, फिर बातें करेंगे आपसे। ठीक है, मतलब काफी हद तक आप रिलेट कर पा रहे हैं, राइट? एग्री 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 यस जी। चलिए अब एक बार 8 पढ़ते हैं, फिर आपसे एक बार फिर क्वेश्चन आंसर्स करते हैं और फिर बात करते हैं। 8 नंबर हम लोग हमेशा डरते रहे हैं 8 नंबर से, पर 8 नंबर ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा डराने के लिए आता है। 8 नंबर एटलीस्ट ये प्रॉमिस करता है कि पैसा तो आएगा जीवन में, आपने संभाला है या नहीं संभाला, या आपके हाथ में आने के बाद चला गया, वो बात की बात है, बट 8 नंबर एटलीस्ट ये प्रॉमिस करता है कि पैसा तो आएगा, देर से आएगा सवेर से आएगा पर वो आएगा। अब लिखें अगर 8 नंबर को हम बोलते हैं लॉर्ड सैटर्न, जिन लोगों को बिल्कुल नहीं नॉलेज है 8 नंबर हम किस लिए बोल रहे हैं, थोड़ा स्ट्रगल का उनके लिए, ये 8 नंबर होता है लॉर्ड सैटर्न का, लॉर्ड सैटर्न थोड़ा सा स्ट्रगल देते हैं, और आपके मोबाइल में एक बार आता है 8, तो आप अपने पैसे का हिसाब किताब बिल्कुल एकदम ऐसे रखते हैं A1 पूरा, जिसका मनी मैनेजमेंट पूरी आप ही सीख के आए हैं। अगर एक बार एट आ रहा है तो मनी मैनेजमेंट ऐसे लोगों का अच्छा होता है, पैसे का हिसाब किताब सही रखते हैं ये लोग, बिना किसी भरोसे के, जैसे किसी पे भरोसा नहीं करते वैसे पैसे का लेन देन नहीं करेंगे। एक बार 8 आ रहा है तो आसानी से भरोसा नहीं करते, पैसे का लेन देन नहीं करते आसानी से, कोई डीलिंग चल रही है तो डीलिंग आसानी से नहीं करेंगे, तो अपने ज्ञान का और अपनी बुद्धि का प्रॉपर यूज करते हैं ये पैसे के बारे में, जो होता है हिसाब का पक्का होना, पैसे के बारे में पक्का होना। आपको कई बार ये लोग ऐसे ही मिलेंगे, चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, ऐसे भी मिलेंगे। चलो आगे, चलो 8 लिखो, अगर मोबाइल में 8 आ रहा है तो, मोबाइल में 8 दिखाता है आपको गुस्सा बहुत आता है, आपको अपने नेचर को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए अपने नेचर का, आप किसी के साथ कैसे सोशल हो रहे हैं उस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि कई बार आपके मुंह से ऐसी वाणी निकल सकती है जिससे सामने वाला परेशान हो सकता है, दुखी हो सकता है, तो अपने व्यवहार का थोड़ा सा ध्यान रखें। इन लोगों की विल पावर स्ट्रांग होती है इनकी, पर अगर एक बार डिसीजन ले लेते हैं तो आसानी से बदलते नहीं, और भरोसा किस पे होता है, सिर्फ अपने आप पर, कोई और बताएगा ये बात ना ऐसे मत करो इसमें नुकसान हो सकता है, वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं, जब तक वो खुद नुकसान नहीं कर बैठेगा तब तक उसको भरोसा नहीं होता, तो इन लोगों को अपने पे ही भरोसा होता है। नेक्स्ट लिखे मल्टीपल 8 में 3 times 8 अगर आपके पास आ रहा है तो, अगर 3 times 8 अगर आपके मोबाइल में आ जाएगा तो ऐसा समझ लो आपकी लाइफ से खुशियां ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई हैं, ऐसा दिखेगा आपको। माधुरी मैम अभी हम किसी भी की बात नहीं कर रहे, मैं सिर्फ मल्टीपल 8 की बात कर रही हूँ, चाहे फोन नंबर में एक साथ आ रहा है या आपका अलग अलग आ रहा है, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं कि कितनी बार आ रहा है। तो 3 times 8 क्या दिखा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हमारी लाइफ में खुशियां है ही नहीं, और कई बार हमें वो खुशियां पता है ऐसा क्यों लगते कि है ही नहीं, हम लोगों के अंदर मेटेरियलिस्टिक चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं, मेटेरियलिस्टिक चीजों की भावनाएं बढ़ जाती है कि मुझे ये भी चाहिए, तो हर बात इनकी कहाँ जाके अटक जाती है, पैसे पे जाके अटक जाती है। बिन 7 आई एम रिक्वेस्टिंग यू, वी आर
taking a predictive thing. Only one digit is not decided, that is true or not. इसलिए क्षमा चाहेंगे. अकल की विद्या 100% कभी भी सही नहीं होती है सर. आपका माइंडसेट भी बहुत कुछ चीजें डिसाइड करता है. ठीक है विन सेवन, जो भी नंबर है जिसका भी नाम है ये, इनका नेचर कई बार आपको थोड़ा सा हार्श मिल सकता है. रूखापन नेचर में थोड़ी सी हार्शनेस मिल सकती है, रूखापन मिल सकता है, या ऐसा लग सकता है कि आराम से बात ही नहीं करते, प्यार से बात ही नहीं कर पाते. थोड़े सेल्फिश नेचर के भी मिल सकते हैं. फोर टाइम एट, हाँ जी बस लास्ट फोर टाइम एट, फोर टाइम एट अगर आ रहा है तो जी इनकी लाइफ में बैलेंस नहीं रहता है. लाइफ बहुत अनबैलेंस हो जाती है, समझ नहीं आता. एक चीज को संभालते हैं तो दूसरी तीसरी बिगड़ जाती है, दूसरी तीसरी को संभालते हैं तो पहली और चौथी बिगड़ जाती है. लाइफ में टेंशन बन जाती है. इनको लाइफ में लगता है कि मुझे ना चेंज करना है, तो चेंज की बहुत ज्यादा नीड आ जाती है इनके मन में कि मुझे बस चेंज करना है, बहुत हो गया ऐसा, या मैं कुछ चेंज करूँ, अपना काम चेंज करूँ, मैं यहाँ से घर चेंज कर लूँ. तो बहुत सारी चीजें इनके मन में आती रहती है ऐसी. कई बार उनका जो ये चेंज है, कई बार ये चेंज उनका अच्छे के लिए हो जाता है, उनकी लाइफ में यू टर्न भी आ जाता है. फोर टाइम एट, कई बार ये बदलाव उनके लिए अच्छा समय लेकर आता है. ठीक है चलिए. लॉर्ड सैटर्न ना आपसे एक चीज मांगता है, वो है ऑनेस्टी. अगर आप ऑनेस्टी से और किसी की हेल्प भी करते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, तो लॉर्ड सैटर्न पैसा बहुत देता है. पर अगर यही 8888 नंबर अगर ऐसा काम नहीं करता तो ये लोग फिर घमंडी हो जाते हैं, बहुत ईगो बहुत आ जाता है इनके अंदर, और ये लालची इतने ज्यादा हो जाते हैं, तो कई बार फिर यही पैसा इनको ले भी डूबता है. यानी कि अगर हमने ये बोला ना कि अच्छे रास्ते की तरफ ले जाता है, कई बार इनकी लाइफ में ऐसा चेंज आता है, पर अगर ये लोग ऑनेस्ट नहीं है, लालच इनके मन में आ गया और पैसा कमाने का, तो फिर वो खोने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं. क्योंकि लॉर्ड सैटर्न जितना देता है, अगर आपने सही कर्म नहीं किए तो वो उतना उससे ट्रिपल वापस भी ले लेता है. तो 8888 नंबर में हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमने अपने कर्मों को भी अच्छा रखना है, लॉर्ड सैटर्न को खुश रखना है हमेशा. लास्ट एक चीज और पढ़ लेते हैं. अगर 8 नंबर मोबाइल में नहीं है तो क्या होता है, 8 नंबर मोबाइल में नहीं है तो क्या होता है. हमारे मन में ना मनी को लेकर एक इनसिक्योरिटी आ जाती है. मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला 8 नंबर क्या मनी का नंबर होता है, पैसा देता है. तो 8 नंबर हमारे मोबाइल में नहीं है तो कई बार मनी को लेकर इनसिक्योरिटी आ जाती है. तो एक तरह से वैसे खतरे की घंटी भी आई है अगर एक बार भी नहीं है तो, क्योंकि फिर हम हर किसी पे थोड़ा सा भरोसा करने लगते हैं, चाहे वो आपके भले की बात हो या ना हो, हम हर एक पे भरोसा दिखाने लगते हैं. और हो सकता है आप अपने रास्ते से भटक भी जाओ, हो सकता है आप अपने रास्ते से भटक भी जाओ. और कई बार ऐसा होगा कि आपने अपना सब कुछ दे दिया, इतना भरोसा कर लिया कि अपना सब कुछ दे बैठे, और अगर धन आ भी जाता है, पैसा आएगा भी, तो फिजूल खर्च हो जाता है अगर 8 नंबर नहीं है तो, क्योंकि 8 नंबर मनी मैनेजमेंट का बहुत अच्छा काम करता है. सर इनसिक्योरिटी का मतलब, जैसे अगर पैसा है भी तो भी एक इनसिक्योरिटी है कि उतना आपके पास है ही नहीं. मान लो आपने 10,000 कमाया पर 10,000 आपके पास है ही नहीं, फिर अगले पल के लिए आपको सोचना पड़ रहा है वो एकदम से खर्च हो गया, फिर क्या हो गई कि अगले पल के लिए वो चीज है या नहीं है. मान लो कोई और खर्चा आपके पास आ गया, अब आपको सोचना अरे ये खर्चा आने वाला, और नहीं पैसे तो भी आए नहीं, कहीं से आने थे आए नहीं, तो क्या आ गई इनसिक्योरिटी आ गई. तो इस तरह की इनसिक्योरिटी की भावनाएं भी बनी रहती हैं. तो इसका मतलब क्या, मोबाइल में अगर एक बार भी एट आ रहा है तो वो अच्छा है, आपके पैसे को थोड़ा सा सेविंग के मोड में भी लेके जाते. तो हमने 7 और 8 पढ़ा आज, और कुछ कॉम्बिनेशन हमने पढ़े हैं. तो आज आपकी क्लास में हमने जो भी पढ़ा है, दैट इज ओनली 1% ऑफ ऑल द टॉपिक दैट वी गोइंग टू learn the 5 days of the classes. ठीक है, तो हमने कितना पढ़ा है अभी 1% पढ़ा है.
तो अभी हमने 7 और 8 पढ़ा, उसमें से कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि 7 और 8 नंबर में ये सब चीजें हमारी लाइफ में हो रही हैं। पहले एक बात से एग्री हम करते हैं दीपा में, दीपा में की बात की एक फर्स्ट बस वेट एक सेकंड दीपा में एक्सक्लूसिव वर्कशॉप एडवांस प्रेडिक्टिव मोबाइल इमोलॉजी दीपा मैम की क्लास आ रही है ऑन द 24th अगस्त, मतलब परसों से रात को 9 बजे मिलेंगे दीपा मैम से हम कहाँ पे क्लास के अंदर, जहाँ हम एडवांस प्रेडिक्टिव मोबाइल इमोलॉजी के बारे में डीप नॉलेज लेंगे। बहुत ही अमेजिंग और वंडरफुल सेशन होते हैं ये, जहाँ भी जितना भी आप समझ पा सकते हैं ये क्लासेस, उसमें से भी ज्यादा डीप, जितना अभी आप समझ पा रहे हो ना कि ये सिर्फ 4 नंबर देख के हम कुछ कुछ प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। दैट्स द रियल ट्रुथ ऑफ दिस 0.1 या 2% नॉलेज वी आर शेयरिंग विद यू राइट हियर। जब क्लास के अंदर आओगे तो हर प्लेसमेंट ऑफ नंबर अपनी डेस्टिनी को डिजाइन करने के तरीके को सीख पाओगे। सो मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस वंडरफुल सेशन इन जस्ट ₹2,300 में मात्र आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 7715930333 पे। देखो फिर रिपीट कर देता हूँ 7715930333। जी राइट दीपा मैम जी भैया प्लीज आप चालू करें बात करें जी। आप लीजिए भैया क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चन ले लीजिए, आप साथ में आइए। आ रहा हूँ मैम एक सेकंड, दो मिनट आ रहा हूँ सबके सामने आ रहा हूँ एक सेकंड, आप जो तो एक सारा क्वेश्चन लीजिए मैं एक सेकंड अपडेट आ रहा हूँ। शुरू करो मैडम क्वेश्चन लेना मैं आ रहा हूँ। जी जी गुप्ता सर आप सबसे सामने हैं बोले। राधे राधे मैम। राधे राधे। मेरा ये था कि मेरा 1-4 आ रहा है साथ में, 1-6 आ रहा है एंड 1-7 आ रहा है एंड 1-9 भी आ रहा है। अब ये जितने इंपैक्ट आपको बताएगी क्या वो आपकी लाइफ में इंपैक्ट आ रहे हैं सर? यस आ रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। और मेरा 8 नंबर भी मिसिंग है इसमें, तो मुझे मनी इनसिक्योरिटी रहती है। और आता भी है तो जल्दी खर्च हो जाता है। हाँ करेक्ट है ना। एंड मैम आपने ये बोला था कि मेरा 1-2 भी आ रहा है इसमें, 1-0-2 आ रहा है, तो हम उसको 1-1-2 लेंगे ना, 1-0-2 को बात करेंगे, 1-1-2 लेंगे, 1-1-2 लेंगे, वो क्लास का टॉपिक है बेटा। हाँ तो और आपने वो बताया था 6-2 साथ में जो एजुकेशन को ऑब्स्टेकल करता है 2-6 या 6-2 वो भी करेक्ट है। और मल्टी एजुकेशन दे रहा है, मतलब कि सब चीज को एक्वायरिंग नॉलेज, ये चीज है। मैम ये 1-4 और 1-6 ये 1-6 क्या प्रॉब्लम करता है समझ में नहीं आया मुझे। 1-4 में हमने क्या पढ़ा? 1-4 में लॉस ऑफ मनी एंड डी फेम एंड गवर्नमेंट से ऑब्स्टेकल, एंड 1-6 का नहीं समझ में आया किसे। 1-6 में हमने पढ़ा स्पाउस का हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, एंड और क्या आ सकता है? रिकॉर्डिंग नहीं मैम ने बताया वो ही तो ओनली। कोई बात नहीं, नेवर सेटिस्फाइड विद मनी पढ़ा था हमने, किसमें होता है कि पैसा है भी अगर अच्छा आ भी रहा है तो भी सेटिस्फेक्शन नहीं रहती है। अच्छा अच्छा ऐसा है। और आपने मैम बोला था 2-9 होता है वो, मैम मनी के लिए अच्छा नहीं होता क्या? वो तो धनियों को होता है ना 2-9 का, तो इन्वॉल्वमेंट दिखाता है मनी के साथ, कुछ ना कुछ हो सकता है। जो बैंकिंग लाइन में फाइनेंस लाइन में होते हैं वो 2-9 मैंने देखा है काफी, उनका 2-9 मस्ट होता है। क्लास करने के बाद मैंने 100 के ऊपर नंबर प्रेडिक्ट किए, 90% ऊपर सही निकले हैं, थैंक्स अ लॉट मैम। किसका नंबर है ये? वैभव थ्रोट। अच्छा अच्छा वैभव जी हैं क्लास में मैम। मैम अजय जी का क्या क्वेश्चन है? बोलो अजय जी क्वेश्चन बोलो आपका फाइनली। मैम एजुकेशन का कौन सा नंबर है? 1-3 या 3-1? अच्छा गुप्ता सर और नहीं है 1-7 एजुकेशन नहीं आता, बाकी नंबर भी एजुकेशन कराते हैं, हमने सिर्फ नंबर से बोलना है कि उसकी एजुकेशन अच्छी है या उसके पास नॉलेज अच्छी है। हाँ 5-1 नंबर भी एजुकेशन का होता है। बाकी नंबर तो सिर्फ 1-3 स्कूल जा रहे हैं। अजय भाई बहुत यंग है, आजा क्लास में बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। गुप्ता भाई मेरा 6
मेरा 6 और 1 का कॉम्बिनेशन है। गुप्ता जी क्लास में आ जाओ, आनंद आ जाए। थैंक यू। उतरो नीचे उतरो जी। जैसल साहब, उर्मिला जी, उर्मिला जी क्वेश्चन बोलो आप। मैम मेरा क्वेश्चन था 81 से 18 और 81 का, और 888 तो आपने बताया, 88 बताया, बट 81 और 18 का थोड़ा कंफ्यूजन रह गया मैम। 18 का बताया, 181 में बताया था, नहीं बताया 18 का बताया। फादर से आपको कोई इश्यूज आ रहे हो सकता है, आपके फादर का हेल्थ इश्यूज आ रहे हो, वो लिखवाया था हमने 18 में। मैम फादर तो नहीं है बट मेरे हेल्थ फादर से रिलेटेड कोई इश्यूज आपको आ रहे हो? नहीं फादर तो नहीं है मैम। ठीक है, मेरे हेल्थ इशू बहुत होते हैं। ठीक है, तो बाकी और भी तो नंबर है ना, से बाकी नंबर के भी इंपैक्ट देखो। बाकी 00 है मैम। मैम आपको ना क्लास में भी समझ आएगा, अगर आपका 81 कौन सी प्लेसमेंट में आ रहा है उस प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। ओके मैम। और मैम आपने 7 का बताया कि जैसे 2 × 7 हो, 3 × 7 हो, तो सपोज हम इसको BN ये डेट ऑफ बर्थ कंडक्टर ड्राइवर से भी देखेंगे मैम? नहीं, हमने सिर्फ अभी आज मोबाइल की बात की, हमने किसी ड्राइवर कंडक्टर की बात नहीं की है, मैंने सिर्फ मोबाइल नंबर की बात की है कि अगर आपके मोबाइल में ये आ रहा है तो, क्योंकि मैम देखो ड्राइवर कंडक्टर में है या नहीं है क्योंकि वहां पे बाकी नंबर्स भी है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ है बाकी नंबर्स के भी इम्पेक्ट करता है कि उसके कौन से योग बन के आ रहे हैं। वो सिर्फ ऐसा नहीं ना कि उसके पास सिर्फ 7 ही है, कोई और नंबर नहीं है, 7 के साथ कौन सी उसकी युति बन रही है तो वो डिसाइड करेगा उसकी लाइफ में वो चीज है भी या नहीं है, है तो कितने समय तक रहेगी, वो चीजें डिफरेंट हो जाएंगी मैम। मोबाइल के साथ मत कनेक्ट करो मैम ज्यादा उसको। जी रिचा जी। हेलो मैम, जो आपने बताया 1 3 1 3 3 2 2 7 ये पूरा मेरे नंबर में है, वो भी लास्ट डिजिट्स है, और वो जो पूरा है वो एकदम कंप्लीटली 2 है। मेरा जो क्वेश्चन था वो एक्चुअली मेरे नेटवर्क इश्यूज की वजह से मैं मल्टीपल 7 का जो क्रॉस है वो मैं सुन नहीं पाई, तो कोई बात नहीं मैम, वो तो रिकॉर्डिंग में है, आप रिकॉर्डिंग सुनना फिर से, रिकॉर्डिंग में है वो। थैंक यू, वेलकम मैम। जी मीनल शाह मैम। हेलो जी, मेरे लड़के के नंबर में 9881111815 आ रहा है, तो जो बताया आपने वो सब उसके साथ हो रहा है। अच्छा है बुरा? बुरा। वाइब्रेशन साथ लेके कौन चल रहा है? हाँ वाइब्रेशन साथ लेके कौन चल रहा है? हाँ वही तो करो, क्यों लेके दे चल रहे हो? चेंज करो ना मैडम, सीखो और चेंज करो जीवन को, सीखना तो पड़ेगा ना। अच्छा मैंने हाँ, तो आपको ये बता तो और दिया कोई टाइम है क्या? ये रात का टाइम मुझे एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो और कोई दूसरा टाइम है? नहीं मैडम, 9 बजे का एक ही बैच है इस बार, पिछली बार पिछली बार दो बैच, कोई टाइम नहीं है। दोपहर का टाइम अभी नहीं है मैडम, आगे फ्यूचर में। 5 मिनट में आई मम्मी जी। अच्छा, मुझे बहुत इंटरेस्ट था लेकिन अभी रात का टाइम एडजस्ट नहीं हो पाएगा, सब आ जाते हैं घर पे तो नहीं हो सकता है। मुझसे बात कर लीजिएगा एक बार। ओके थैंक यू जी। कविता जी थैंक यू। हेलो जी। हेलो मैम। मैम मेरा, हाँ मैम मेरा अभी नंबर ना 7016205913 है। ठीक है हाँ, तो मैम मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ रहे थे जैसे आपने बताया, तो मैम मैंने ना एक नंबर ऐसे ही अपने अकॉर्डिंग पूरा जनरेट किया है 7191031955, तो मैम इज इट ओके? मैम मैं एक बारी में कैसे बताऊंगी, जब 5 दिन की क्लास है मैं आपको 1 मिनट में आंसर कैसे करूंगी उसका? नहीं मैंने ऐसे ही वीडियोस देख के जस्ट, मैम सर ने जैसे बताया ना रूल्स उसके अकॉर्डिंग। कविता मैडम अधूरे नॉलेज में से पूरा ज्ञान कैसे निकाल लोगे? मैम वीडियोस में से अगर सभी पढ़ के कर लेते तो सारे एक्सपर्ट हो जाते हैं। हाँ मैम ये जी क्या है, आप अपना ही नुकसान करके चलोगे, मेरा नहीं होगा। वाइब्रेशन वाइब्रेशन आप अपने साथ ले जाओ, अधूरे ज्ञान में कहीं ना कहीं अपने ही लिए नुकसान खरीदोगे, मेरे लिए नहीं खरीदोगे। राइट और मैं आपसे कॉस्ट नहीं ले रहा हूँ, जितने ही कंसल्टेशन है 5,000 रुपए की, तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन है।
नहीं नहीं सर कंसल्टेशन का वो नहीं है सर, मैं बता रहा हूँ मोबाइल इम्यूनोलॉजी की कंसल्टेशन 5000 रुपए से ऊपर की हो गई आज की डेट में। एक्चुअल में सर ऑकल्ट में कुछ भी करना है ना तो घर वालों को कन्विंस करने के लिए थोड़ा ये होता है सर, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलना मोबाइल नंबर सीखने जा रही हूँ कैसे डायल करती है। ठीक है ठीक है सर, आज दिन में पता भी नहीं लगेगा, बहुत अमेजिंग सेशन है और रियली इम्पैक्टफुल और लाइफ चेंजिंग कोर्स है एक तरीके से। मेरा तो मैम नंबर देख ही रहे हैं इस समय, तो जो दिमाग की खचड़ पचड़ मच रखी है ना कि बस खचड़ पचड़ नहीं मचानी ना, खचड़ पचड़ को ठीक करना समझ के। एक क्लास करी थी मैंने मेडिकल एस्ट्रो वाली, अब दोबारा ये वाली ज्वाइन करने की सोच रही हूँ। मोस्ट वेलकम मैम, बिल्कुल स्वागत है। हाँ सर, अभी तो मेरा नंबर है 7052454933। आज जो पढ़ा है वो उसके अंदर कितना इम्पैक्ट पड़ा है मिल रहा है, सभी सब है, सभी है, बिल्कुल ऐसा ही है, सब ऐसा ही है ना कर रहा है। यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने साथ अपना मित्र लेके चलना चाहोगे या दुश्मन को साथ रखना चाहोगे, वो चॉइस इज योर्स। जब से मैंने क्लास किया मैंने अपना नंबर चेंज किया, 7715930333 कर दिया, दूसरा नंबर लिया 9610530333 ले लिया, राइट। दीपा ने अपने लाइफ के लिए अपना नंबर ले लिया, सो वी गॉट इम्पैक्ट। सोच रही हूँ बस चेंज करने, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ही हो जा रहा है कि नहीं होगा ना मैडम, जब तक वाइब्रेशन को डिजाइन नहीं करोगे ना तब तक वो चेंज होगी भी नहीं। आपने चूज नहीं किया नंबर को, नंबर ने आपको चूज किया, पहली बात ये मान लो। आप सब मानती हूँ सर, एग्री बिल्कुल फुली है। आप सबको किसी ने, आप सब यहाँ बैठे हो, आप एक चांस से ध्यान से देखो, आपको लगता है कि हम VIP नंबर ले आए, 1111777 ले आए ना, 7777 नंबर लाने के बाद लकी 7 करते करते वो धोखे वाला 7 निकल गया, राइट। हम 888 नंबर की गाड़ी ले आते हैं, 88 नंबर हमारे पास पूरा ले आते हैं, 8 नंबर मनी का, हमारे पास 3 अट्ठे हैं, देखते हैं तो जिंदगी से रिलेशनशिप इधर से उधर हो गई, घर का ना घाट का कर देता आदमी, कई बार हो जाता है ना। हाँ सर, यही चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आप सबको, जस्ट एजुकेट योर सेल्फ। ये वाली क्लास तो करनी है मुझे, कब से मैं इसका मैजिकल क्लास है मैडम, ये मैजिकल मोबाइल न्यूमरोलॉजी हकीकत में तो। और मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती भी है, मैंने एक बार मैडम से क्लास ली थी, बिल्कुल वंडरफुल टीचर, ऑसम है बिल्कुल, हर चीज में बहुत अच्छे से समझ में आती है सारी क्लासेस मैडम की। जी जी जी, मोस्ट वेलकम मैम सरिता मैम, मोस्ट वेलकम। पुराना स्टूडेंट है जिसने कुछ पढ़ रखा है यहां पे, किस वीक और कोई बैच का अभी पुराने से बात करते हैं, खाना विनोरमा जी से बात करते हैं पहले। जी विनोरमा जी, अभी तो मैम ने बोला कि किसी को पहले से जानकारी है, तो पहले तो आप मुझे ये बताइए, एक नया नंबर लिया है मैंने 910। एक मिनट हमने अभी जो पढ़ा है, हम क्वेश्चंस ले रहे हैं उसके, हम यहाँ पे कंसल्टेंसी नहीं कर रहे हैं, और टू बी वेरी ऑनेस्ट आप सिर्फ इतना बताओ अभी कि जो हमने पढ़ा उससे दीपा मैम जस्ट अलाउ मी सेकंड, बोलिए विनोदना जी क्या कहना चाहिए। एक नंबर है 9105523052। हमने ये अपना थोड़ा सा जानकारी लेकर सीख कर अपने लिए नंबर सिलेक्ट किया है, इस नंबर में बहुत बड़ा एक इंपैक्टफुल रोल प्ले है मैम। 2323 ना, वो मैं बताऊंगा मैम क्लास में। अच्छा सर ओके, वैसे मैम आइदर एक जो आज पढ़ा है ना आपने इसमें उसके अंदर से वो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं पहले तो वो देखो। सी मनोरमा जी, कंसल्टेशन नहीं है, एक चीज समझने की कोशिश करो, यू आर नॉट गोइंग टू सी आप, मुझे मालूम है यू आर लर्निंग फॉर, आप लर्नर हो अभी, मैं आप लोगों को सिर्फ एक गाइड करना चाहता हूँ आप सबको, डोंट बी अ हरी। आप मेरे साथ क्लास भी पढ़ोगे तब भी मेरी क्लास में सबसे पहला रूल मैं आपको एक चीज सबसे पहली बात ये बात बोलता हूँ कि भैया कल क्लास 5 दिन बाद क्लास खत्म हो, नंबर लेने की जल्दी मत कर लेना। हेलो, एक सेकंड खन्ना जी, ये सर मोबाइल है, एक सेकंड, राइट। तो मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ फर्स्ट लर्न योर सेल्फ, मेकअप योर माइंड, व्हाट डिजायर इज दैट, आपकी जो डिजायर है उसको असेंबल करो,
फिर उस नंबर बनेगा, डिजिट्स बनेंगे, वो नंबर बनेगा, देन यू गेट योर नंबर। माय नंबर, मेरा नंबर अगर आप देखोगे 7715930333 या कंप्लीट एजुकेशन का नंबर है, राइट। साथ में पैसे के नंबर भी हैं, कॉम्बिनेशंस भी हैं इसके अंदर। सो माय रीजन इज दैट टेलिंग टू वर्ड यू कि अगर आप अधूरे ज्ञान से या जल्दबाजी से कुछ चीजें लोगे तो भुगतोगे आप ही लोग, पर हम वो नहीं चाहते। नहीं सर, नंबर देखकर मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि मैंने इसमें 2-3 कॉम्बिनेशन ले लिया और मुझे बहुत हर्ट कर रहा है, जबकि मैंने बताया तब मुझे हर्ट कर रहा है। ये खाली 2-3 नहीं है मैडम, इसके अंदर एक और दो कॉम्बिनेशन और भी है, प्लेसमेंट ऑफ नंबर भी गलत है उसकी, ये क्लास में समझाऊंगा आपको। वैसे मैम ने जो बताया मेरा नंबर है 9458596888, तो इसने भी मुझे बहुत परेशान किया है। मैडम ने 1% ही नहीं बताया। मैम एक बात बताइए, इसमें 888 के साथ 18 और अलग से है 94585, तो फोर टाइम्स काउंट होगा। और मैम इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगी, जैसे मेरा 7 नेट इशू की वजह से छूट गया। भेज देंगे तो, रिकॉर्डिंग आपको भेज देंगे, ग्रुप में भेज देंगे। रिकॉर्डिंग मैम अभी है ग्रुप पे, है ना भैया, अभी YouTube पे लाइव है मैडम। संदीप बजाज सर के चैनल पे लाइव कर लो, बहुत सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी मैम की। सर हम उनका पहले से ही मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कर रहे हैं, जो आज से शुरू होने वाला था, पर आज शायद नहीं। कोई बात नहीं मैम, आप मेरा चैनल भी लाइक कर लीजिए, कोई बात नहीं, देख लेते मैम, राइट। ओके सर, ओके सर, थैंक यू जी, थैंक यू जी। खन्ना साहब। सर नमस्कार जी। राधे राधे सर। जी राधे राधे जी, जनाब आदेश करें। सर मैं आदेश करने वाला कौन। सर मेरे मोबाइल नंबर पे 9876888888 का इम्पैक्ट लास्ट 12 ईयर से है आ रहा है ना, ठीक है। जो मैम ने बताया 100% बिल्कुल लाइव ऐसे जा रही है जैसे पता नहीं क्या हो गया, सभी से कट ऑफ, घर आके उदासी रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, सब कुछ रह रहा है सर जी। हाँ जी, एक चीज बताओ सर, कर्जा थोड़ी आपके ऊपर, कर्जा भी है क्या। जी बिल्कुल है जी, उस 888 को यूज कर लेते ढंग से तो कर्जा उतर जाता आपका। अच्छा, कर्जा लेके उतर तो जाते, लेकिन इतना डिप्रेस्ड हो जाता, मतलब आप कर्जे में नहीं डूब, आप कर्जे में डूब के नहीं रह सकते। हाँ जी, बाकी जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा ये मैं और बता रहे तो। ऐसा देखो क्या है कि मैं आपको यही इतनी वापस वही बात मैं रिपीट करना पड़ेगा मुझे जी। सी देखो, आप अपने साथ किसको लेके जाओगे, चाहे सर अपने फ्रेंड को लेके जाएंगे, चाहे मेरे साथ पियोगे या पुतिन के साथ पियोगे, वो तो आपको चॉइस है सर। जी 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 बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है जी, तो चॉइस चॉइस आपकी है सर। मैंने तो आपको बता दिया, वेलकम कर दिया मेरी क्लास में, आप आओ दीपा मैम से सीखो। मैं दीपा मैम आपका स्वागत करते हैं, ज्वाइन सर, श्योरली ज्वाइन, मोस्ट वेलकम खन्ना सर, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, राधे 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 सर जी। जी उदय कुमार जी, हेलो सर, हेलो मैम, उदय भाई, हेलो उदय, कैसे हो। मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम, मैं सभी से ये बात कहना चाहूंगा आज कि मैंने न्यूमरोलॉजी पहले भी मतलब जो भी मैंने सिखा है फर्स्ट क्लास, वो यही क्लास है वो जो मैंने दीपा मैम ने जो मुझे सिखाया है मोबाइल न्यूमरोलॉजी का, और वो सीखने के बाद मैंने अपना जो फोन नंबर चेंज किया है, और जिससे मेरे लाइफ में स्टूडेंट्स आए हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला भी है मुझे, और मैंने उससे भी जो भी मैंने अपने फ्रेंड्स के प्रेडिक्शंस किए थे वो भी बिल्कुल सही हुए, 100% हुए, और उसी कोर्स की मदद से मैं अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करता हूँ कि कौन से फ़ोन नंबर लेना चाहिए एज पर देयर डेट ऑफ बर्थ भी, वो भी करता हूँ। और आई एम वेरी थैंकफुल टू राहुल सर और दीपा मैम अगेन कि इतनी अच्छी विद्या आपने हमको सिखाई है। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, थैंक यू, थैंक यू उदय जी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, थैंक यू वेरी मच जी। अजय भाई, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरे पास एक नंबर 10 साल से और था 8707885168, आई हैड 4 8s एंड 2 7s जी सर, ड्यू टू 2 7s आई लॉस्ट मनी एंड हैवी मनी जी सर, एंड आफ्टर लॉस
I became more spiritual. I was spiritual, but I became more spiritual. जी तो ये बात 77 वाली बिल्कुल सही है. जी और ये जो 4x8 की बात है, बिल्कुल मेरी जिंदगी में काफी कुछ खराब इसने किया. टेंशन, नो बैलेंस लाइफ, चेंज रिक्वायर्ड था, ये सारी चीजें मेरे साथ बहुत घटी थी. अब इस नंबर को मैंने पूरी तरह से हटा दिया क्योंकि ये कहीं मेरे जिंदगी में और शामिल नहीं था सिवाय कॉल के, तो इसको मैंने नंबर को पूरी तरह से हटा दिया. बहुत बढ़िया केसर, हटा दिया समय अनुसार. चलो जो होना था हो गया, वो प्रभु इच्छा मानते हैं और आगे के जीवन को सही तरीके से डालना, तो अच्छी वाइब्रेशन के साथ चलेंगे. बिल्कुल सर, बिल्कुल. आई एग्री. थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस, कंफर्मिंग दिस कि व्हाट वी आर गोइंग टू टीच यू हियर दैट इज ऑलमोस्ट देयर. मदम वाह, सो नाइस ऑफ यू. थैंक यू टू यू सर. राहुल जी, एक ना यहाँ पे आई थिंक न्यू बैच के स्टूडेंट, अगर कुछ वो फीडबैक है. अंशुमन सर आप हैं? अंशुमन साक्या सर है ना? जी मैडम. जी मैम, स्पॉटलाइट में ले आओ. आपको बुलाया है हमने, स्पॉटलाइट कर रहे हैं, कर दें, कर दीजिए. जी साक्या साहब, कैसी क्लासेस चल रही है आपकी? बहुत बढ़िया. मैडम बहुत बढ़िया टीचर है और बहुत बढ़िया पढ़ाती है, और आपके यहाँ से जितने और भी कोर्स किए हैं सभी टीचर्स अपने आप में बेस्ट है सर. थैंक यू. गुरु जी का आशीर्वाद है और इतने अच्छे अच्छे लोग, इतने अच्छे टीचर्स साथ जुड़े हुए हैं. दैट्स व्हाई वी से थैंक टू गुरु जी एंड संदीप सर, जिन्होंने ये पूरा लोगों को जोड़ रखा है. हम सिर्फ आपको कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा सके. थैंक यू मंजू भाई साके साहब, थैंक यू टू कनेक्ट. राइट जी, राइट. सो राधे राधे सर जी. अंजना जी, कैन आई हेल्प यू मैम? राधे राधे दीपा मैम. आप जो 81 बार बोले तो मेरा छोटा बेटा के 81 बार मोबाइल में, लेकिन उसको गुस्सा ज्यादा है, जबकि बड़ा बेटा के मोबाइल में 2 बार आता है. वो कूल है, कोई बात नहीं मैम. डेट ऑफ बर्थ में भी तो कुछ होगा ना, मोबाइल नंबर में सिर्फ 88 तो नहीं होगा, उसके पास और नंबर भी तो होंगे. हाँ, छोटा बेटा का मैं 9564841602. ठीक है. तो बस वही पूछ रहे थे कि उसका एक बार है तो वो थोड़ा गुस्सा उसको, और दूसरा का 2 बार है तो वो कूल है. कोई बात नहीं मैम, अच्छी बात है कूल है तो. नहीं ठीक है, बस वही बता रही थी मैं आपको कि उससे रिलेट नहीं कर रहा मेरा नंबर. नहीं कोई बात नहीं मैम, हर चीज रिलेट नहीं करती, कौन सा नंबर कहाँ पर प्लेस है ये भी डिपेंड करता है. ऐसा मैम, अच्छी और क्लियर कर देता हूँ. कुछ चीजें अलग और भी हैं, वो ये है कि सामने वाला पर्सन मेडिटेशन कैसे करता है, उसका ड्राइवर कंडक्टर क्या इम्पैक्ट कर रहा है, उसकी जीवन की डेट ऑफ बर्थ में और कितने नंबर भी इसके साथ इम्पैक्ट करते हैं, वो सब क्लास के ऊपर. राइट, थैंक यू मैम. ओके, थैंक यू. जी जैन साहब, नमस्कार. जैन साहब कैसे हो? राधे राधे जी, आनंद है. राधे राधे, चलो अच्छा है सुनने में मिला, कल का क्लास मिस हो गया था. बिल्कुल स्वागत है, कल की क्लास आनी पड़ेगी. 25 तारीख को सर, 25 से शुरू कर रहे हैं. 25 से डिटेल, इसका डिटेल क्या है? आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, डिटेल मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ आपको एक बार, और आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ पूरी डिटेल. आप अपना नाम लिख के मुझे भेज दीजिए. राइट, सो ये 5 दिन की क्लास है, 2300 रुपए की है. अकाउंट डिटेल आपके सामने है, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा आपके ग्रुपों के अंदर. दूसरा एक मैं पूछा था, अभी एक जस्ट नंबर मैंने लिया है तो यस या नो खाली, बाकी इतना कुछ इतना नहीं बोलो क्या सच, खाली यस नो बोलेंगे ठीक रहेगा बताएंगे. एक मिनट दीजिए, मेरे यहाँ पे सिस्टम अपडेट. राहुल भैया आपके पास भी ना मोबाइल नंबर का सिलेबस है, नहीं तो मैं एक बार बोल देती हूँ अगर आप कहते हो. मैं वही ढूंढ रहा था. हाँ हाँ, आपके पास भी है, मैं एक बार बोल देती हूँ. वैसे आप ही के मैंने चैट से निकाला है. हमने इसमें पढ़ना है प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स पढ़ना है, मतलब जो लोग बिल्कुल नए सिरे से पढ़ेंगे उनके लिए भी हम प्लैनेट सारा पढ़ेंगे, 1 to 9 एट्रीब्यूट्स.
फोर्थ एस्पेक्ट ट्रेंगुलर रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप, शॉटगन नंबर, इम्पैक्ट ऑफ रिपीट नंबर्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लेसमेंट ऑफ नंबर, इम्पैक्ट ऑफ मिसिंग नंबर्स, रेमेडीज पढ़ेंगे, चार्जिंग डायरेक्शन ऑफ मोबाइल नंबर पढ़ेंगे, हम इसका पिन नंबर पढ़ेंगे कि हमें पिन नंबर इसमें कौन सा डालना चाहिए, प्लस जैसे अभी हमने देखा कि मोबाइल नंबर में अगर एक बार ही कोई नंबर आ रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, और वो मल्टीपल टाइम आ रहा है तो उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और रेमेडीज की फॉर्म में हम इसमें एनर्जी सर्कल्स भी हम आपको देंगे, जिसमें आपको उससे समझ में आएगा कि इसकी हम वाइब्रेशंस को कब इंक्रीज कर सकते हैं, हम डिक्रीज कर सकते हैं, ये भी हम इसमें करने वाले हैं। नंबर है, हेलो, हाँ जी सर, 9152 9173999 है, 15 लास्ट में, दोनों से कुछ बेटर सर, मैं बेस्ट और बेटर तो नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि बेस्ट और बेटर आपको डिसाइड करूंगी आपके लिए क्या बेस्ट है और क्या बेटर है, क्योंकि डिसाइड कर जब भी हम नंबर सीखेंगे मैं सिर्फ आपको गाइड करूंगी कि कैसे करना है, ठीक है। और एक चीज और, एक नंबर कभी भी हम एक मिनट में डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ऐसा आपको पढ़ने के बाद ज्ञात हो जाएगा कि हम एक मिनट में आंसर क्यों नहीं दे सकते आपको, क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ भी हमें देखना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या नंबर बोल रहा है, उसके कंपैटिबल कौन सा नंबर लेना है, हमें फोन का टोटल क्या रखना है, सिर्फ एक पैरामीटर नहीं है इसमें, जैसे अभी मैंने ये बात की ना ट्रायंगुलर रिलेशन, फोर्थ एस्पेक्ट, पंकज जी, पंकज जी, इसमें एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट और भी है इस पूरे के अंदर, मैं आपको सबको बताना चाहूंगा, क्या कि हर पर्सन की अपनी एक डिजायर है, हर पर्सन की एक अपनी डिजायर है, यस, उस डिजायर के अकॉर्डिंग ही नंबर डिसाइड होते हैं, हमारी प्रायोरिटीज कैसे डिसाइड होती है, हर एक वेल्थ नहीं चाहिए, हर एक बंदे को रिलेशनशिप नहीं चाहिए, वो चीजें पहले डिसाइड होती है, उसके बाद उसको डिजाइन किया जाए। नहीं, 6 और 5 से कॉम्बिनेशन बैठेगा क्या? आप एक काम कीजिए सर, मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ और अपने दोनों नंबर मुझे भेज दीजिए, मैं आपको बताता हूँ उसकी रिपोर्ट बना के, व्हाट्सएप कर दीजिए, अभी कर दीजिए, अभी कर दीजिए, मैं अभी कर दूंगा। थैंक यू, और मुझे फोन पे बात कर लीजिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल की डिस्कस कर लेता हूं। चलिए, क्लास में मैसेज डाल दो 10 मिनट लेट का। हाँ, सॉरी, मैं भूल गया, वी आर ऑलरेडी, सो चलो अगले 5 मिनट में हम इस सेशन को समापन भी कर रहे हैं, और सो द क्लासेस विल स्टार्टिंग फ्रॉम द 25th अगस्त से रात को 9 बजे एक्सक्लूसिव मोबाइल इम्यूनोलॉजी सेशन, एडवांस प्रेडिक्टिव मोबाइल इम्यूनोलॉजी का सेशन आ रहा है, जहां आपको पीडीएफ रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेशन सब कुछ मिलने वाला है इस क्लास के अंदर, और बहुत ही डीप नॉलेज मिलने वाले, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस वंडरफुल सेशन इन जस्ट रुपीज ऑफ 2300। मैं, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर आ रही है। सो क्लासेस के बारे में ज्यादा जानना चाहें आप तो मुझे संपर्क कर सकते हैं 7715930333 पे, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ 7715930333 पे, राइट, डन। चलिए जी दीपा मैम, सो जिन लोगों ने आज क्वेश्चन नहीं ले पाते हैं उन लोगों को सॉरी, सून वी विल कनेक्ट विद यू गुप्ता जी, अगली बार फिर सेशन में आपसे कनेक्ट करेंगे, राइट। सो मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस वंडरफुल सेशन, आप लोगों कोई भी क्वेरीज हो इसके बारे में, कोर्स कंटेंट क्वेरीज हो, क्लासेस का टाइमिंग, सर्टिफिकेशन, पीडीएफ इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी, पेमेंट से रिलेटेड, यू कैन कनेक्ट विद मी 7715930333 Thank you, Deepa ma'am, to giving us wonderful knowledge, sharing the wonderful knowledge. Thank you, buddy. Thank you so much. Please call me after this session, right? और once again, आप सबको, हम सबको बधाई हो इस बात की कि हमारे चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग करके वहां पर establishment ले ली। It's a really pride moment for us. और हम इसरो के उन वैज्ञानिकों का सबका आभार व्यक्त करते हैं, और उन पे सब पे, इन सब पे नाज है हम लोगों के, उन्होंने हमारे देश के नाम को एक नए अध्याय के साथ, नई चीजों के साथ जोड़ दिए। सो थैंक यू टू एवरीवन जॉइनिंग दिस वंडरफुल सेशन, राधे राधे टू ऑल, जय गुरुजी, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहे, खुश रहें, राधे राधे जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे, थैंक यू टू ऑल, राधे राधे जी, राधे राधे।